हाँ, समझ गए हम। वाह, परसों है। चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे पिरामिड में पढ़ाने वालों। आपने वो मूवी देखी है, दा मम्मी मूवी देखी है? तो उसमें पिरामिड देखे होंगे ना, उन्हीं को हम पढ़ेंगे आज, ठीक है? चलो, हॉलीवुड वाली जो मूवी है ना। अब मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ कि पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे, डायरेक्ट फिगर पे नहीं आते, पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में पिरामिड क्या है। देखो, पिरामिड की स्पेलिंग सही लिख रहा हूं मैं? PYRAMID, कुछ और तो नहीं है? पिरामिड क्या है? तो पिरामिड की परिभाषा भी लिख लेंगे। पिरामिड इज ए कॉनिकल सॉलिड, ठीक है? पिरामिड इज ए कॉनिकल सॉलिड, पिरामिड एक कॉनिकल सॉलिड है, पिरामिड इज ए कॉनिकल सॉलिड। बोले कोई दिक्कत? पिरामिड इज ए कॉनिकल सॉलिड विद पॉलीगन बेस, विद पॉलीगन बेस। पिरामिड की परिभाषा लिख लेंगे, बहुत आसान सी फिगर होती है। पिरामिड इज ए कॉनिकल सॉलिड, एक 3D फिगर है, एक सॉलिड है विद पॉलीगन बेस। पिरामिड इज ए कॉनिकल सॉलिड विद पॉलीगन बेस। बहुत सारे बच्चों को ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज समझ नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती है, तो इसको देख लेंगे एक बार। जितना समझ में पल्ले पड़ जाए उतना ही ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? बिल्कुल, यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं, तो ये फ्री सेशन है। एक पिरामिड एक कॉनिकल सॉलिड है विद पॉलीगन बेस, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि पॉलीगन पिरामिड क्या है। आप कोई भी 2D फिगर लीजिए, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। आप कोई भी 2D फिगर लीजिए, कोई भी 2D फिगर लीजिए, चाहे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल लीजिए, चाहे आप ट्रायंगल लीजिए, चाहे आप स्क्वायर लीजिए, चाहे आप रेक्टेंगल लीजिए, चाहे आप पैरेललोग्राम लीजिए, चाहे आप रोम्बस ले लीजिए, ठीक है? किसी भी 2D फिगर के सेंट्रॉइड से, किसी भी 2D फिगर के सेंट्रॉइड से, आप सेंट्रॉइड या फिर ग्रेविटी सेंटर से एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दीजिए आकाश में, और उस लाइन पर कहीं भी किसी बिंदु से 2D फिगर के सारे वर्टेक्स को मिला लीजिए, तो क्या बन जाता है? आपका एक पिरामिड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं, एक त्रिभुज बनाता हूं, ये त्रिभुज बनाया, क्लियर है? हाँ, किसमें? अरे हिंदी में ही बताएंगे, अरे टेंशन काहे ले रहो। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का ये हो गया ग्रेविटी सेंटर, हम जहां पे जिसका सारा द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं, सेंट्रोइड केंद्रक मान लीजिए, केंद्रक हो गया। तो केंद्रक से, त्रिभुज के केंद्रक से एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दीजिए आकाश में, और इस लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए पी, और इस पॉइंट पी से ट्रायंगल के वर्टिसेस को मिला दीजिए, तो एक फिगर क्लोज्ड फिगर बनेगी, और यही क्लोज्ड फिगर होती है आपकी पिरामिड। बोलो, हाँ समझ में आया? क्लियर है? आवाज तो आ रही है? चलो, अर्थमेटिक भी स्टार्ट करेंगे, चिंता ना करो। अगर ये कोई भी 2D फिगर ले लीजिए, यहां पे जैसे हमने एक 2D फिगर ली ट्रायंगल, तो इस वाले पिरामिड का जो बेस है वो क्या है? ट्रायंगल है। क्लियर है? नाउ अगर मैं ले लेता हूं किसी पिरामिड का बेस, अगर मैं स्क्वायर ले लूं, अगर मैं क्या ले लूं, किसी पिरामिड का बेस स्क्वायर ले लूं, क्या ले लेता हूं मैं? स्क्वायर, एक वर्ग ले लीजिए, तो एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर का जो सेंट्रोइड होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वो क्या होगा? जहां पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को काटेंगे, इस ग्रेविटी सेंटर से एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दीजिए, और इस लाइन से स्क्वायर के चारों वर्टिसेस को आप इस तरीके से मिला देंगे, तो जो एक आपकी क्लोज्ड फिगर बनेगी, ये होती है पिरामिड। ये क्या होता है आपका? यही आपका पिरामिड होता है। सभी को अब बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है? बताइए, अब मुझे एक बात बताइए, पिरामिड की कुछ लोग परिभाषा ऐसे भी देते हैं कि पिरामिड का जो बेस होता है वो हमेशा एक 2D फिगर होगी। ये एक ट्राइंगल हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, एक हेक्सागन हो सकता है, लेकिन जो टॉप होगा वो एक हमेशा पॉइंट होगा। एक पॉइंट में एंड होता है, इसका जो टॉप मोस्ट फेस जो होता है वो एक बिंदु होता है, वो एक पॉइंट होता है। क्लियर है? बात ध्यान रखना, पिरामिड एक कॉनिकल सॉलिड है, ये कोन की फॉर्म में होगा, जिसका बेस क्या होगा? पॉलीगन होगा। लेकिन बात ध्यान देने वाली ये है कि पिरामिड का बेस रेगुलर पॉलीगन भी हो सकता है, हाँ, और इरेगुलर पॉलीगन भी हो सकता है। पिरामिड का जो बेस है वो रेगुलर पॉलीगन भी हो सकता है, इरेगुलर पॉलीगन भी हो सकता है। मतलब पिरामिड के जो बेस की भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि भुजाएं बराबर ना भी हो।
क्लियर है, यहां तक कोई समस्या? सभी को पल्ले पड़ रही हैं चीजें। अब इस पिरामिड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जहां पे पिरामिड का जो टॉप फेस्ट है, इसको बोलते हैं हम एपेक्स। क्या बोलते हैं हम इसको? एपेक्स। हिंदी में इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? शीर्ष। क्या बोलेंगे भैया इसको? शीर्ष। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? वेरी गुड। नाउ पिरामिड का यहाँ पे स्क्वायर बेस पिरामिड है, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा? पिरामिड का एपेक्स हो जाएगा, या फिर ये पिरामिड का शीर्ष हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? अब बात कर लेते हैं पिरामिड की हाइट की। तो पिरामिड की हाइट क्या होती है? प्रिज्म और पिरामिड, प्रिज्म ऊपर से नीचे तक, अच्छा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम पिरामिड के बारे में बात करते हैं। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड की अगर मैं हाइट की बात करूं तो पिरामिड के बेस के ग्रेविटी सेंटर से पिरामिड के एपेक्स की जो डिस्टेंस है, दैट मींस ये जो डिस्टेंस है ग्रेविटी सेंटर से पिरामिड के एपेक्स की दूरी जो होती है, वो होती है पिरामिड की हाइट, पिरामिड की ऊंचाई। क्लियर है? पिरामिड के बेस के ग्रेविटी सेंटर से एपेक्स की दूरी, बेस के ग्रेविटी सेंटर से एपेक्स की जो डिस्टेंस होती है, वो होती है तुम्हारी पिरामिड की हाइट, पिरामिड की ऊंचाई। जैसे कि मैं यहां पे बात करूं, ये पिरामिड का बेस एक स्क्वायर है, दिख रहा है सभी को स्क्वायर? स्क्वायर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? इसका सेंट्रोइड हो गया, ग्रेविटी सेंटर हो गया। इस ग्रेविटी सेंटर से पिरामिड के एपेक्स की जो डिस्टेंस है हरी हरी, ये क्या है? पिरामिड की ऊंचाई हो गई। बोलो क्लियर? हाँ, कॉपी पे फिगर गंदी बन रही है, बोर्ड पे अच्छी बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ पिरामिड लिए भी हैं, हमने यहाँ पर कुछ पिरामिड लिए भी हैं, आप गौर से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? समझो, बिल्कुल पिरामिड का जो बेस है वो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। आप यहां पे देखिए, एक पिरामिड मैंने दिखाया है, इसका बेस क्या है? एक स्क्वायर है, दिख रहा है? बेस एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर के डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट से मैंने कहीं कोई लाइन उठा दी, इस लाइन पे एक पॉइंट ले लिया, यही एपेक्स है, और इस एपेक्स से मैंने इस फिगर को क्लोज कर दिया, स्क्वायर के सारे वर्टिसेस को मिला दिया, तो क्या बन गया? ए पिरामिड विद स्क्वायर बेस। क्लियर है? आप मुझे बताइए, हाँ बिल्कुल, आप मुझे बताइए, पिरामिड है, पिरामिड का बेस एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के ग्रेविटी सेंटर से मैंने एक लाइन उठा दी और इस लाइन से मैंने ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को मिला दिया। बोलो कोई दिक्कत? यहां पे आपको एक पिरामिड दिख रहा है विद हेक्सागन बेस, विद हेक्सागन बेस। क्लियर है? तो यहां पे जो है ये क्या हो जाएगा? ये हेक्सागन बेस हो जाएगा। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? पिरामिड के एग्जा इसमें जो बेस है वो हेक्सागन है, हेक्सागन के ग्रेविटी सेंटर से मैंने एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दी और लाइन से मैंने हेक्सागन के सारे वर्टिसेस को जो है वो मिला दिया। कोई दिक्कत? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पहले ये समझना है कि एक्चुअल में पिरामिड क्या होता है। फिगर आपको क्लियर है, सभी को सिखाई दे रहा है, एपेक्स क्या होता है, ठीक है? चलिए नाउ अब एक चीज समझेंगे, ये तो होगी पिरामिड की हाइट, पिरामिड के एपेक्स के बारे में बात। अब हम बात करते हैं पिरामिड की स्लांट हाइट। किसी भी पिरामिड की स्लांट हाइट क्या होती है, या किसी भी पिरामिड की त्रियक ऊंचाई क्या होती है? और त्रियक ऊंचाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आप मुझे एक बात बताइए कि ये तुम्हारा पिरामिड है जिसका बेसिक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे हम ट्रायंगल का मास, उस त्रिभुज का पूरा द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं। सेंट्रोइड बोल दो इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? केंद्रक। अब इस सेंट्रोइड से हमने एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दी, क्लियर है? और इस लाइन से क्या किया भैया हमने? ट्रायंगल के तीनों वर्टिस को मिला के फिगर को क्लोज कर दिया, तो ये क्या बन गया? ये पिरामिड बन गया, और ये पिरामिड की हाइट हो गई, सेंट्रोइड और एपेक्स के बीच की दूरी। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी भी स्टूडेंट को? अच्छा विपुल, पॉलीगन होता है भैया मेरे, बहुभुज, बहुभुज होता है पॉलीगन, ठीक है? आप मुझे एक बात बताइए, स्लांट हाइट क्या होती है? तो ये हो गया तुम्हारा पिरामिड का एपेक्स, पिरामिड का शीर्ष। इस पिरामिड का बेसिक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। तो एपेक्स से
ट्रायंगल के बेस एपेक्स से पिरामिड के बेस यानी कि ट्रायंगल की साइड्स पर परपेंडिकुलर डालिए, तो ये जो लेंथ होगी ना, ये जो लेंथ होगी यहां पे इस जाके 90 डिग्री के एंगल पे मिल रही है, तो ये होती है पिरामिड की स्लांट हाइट। क्या होते हैं? पिरामिड की स्लांट हाइट। क्लियर है सभी को बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? आप एपेक्स से, ये ट्रायंगल है, क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज की तीन भुजाएं, एपेक्स से त्रिभुज की भुजाओं पर ये परपेंडिकुलर डालिए, तो ये जो लेंथ होगी होगी ट्रायंगल की स्लांट हाइट। एक्चुअली किसी भी पिरामिड में क्या होते हैं? लेटरल सरफेस होते हैं, लेटरल सरफेस पार्श्व पृष्ठ होते हैं। पिरामिड का क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। अगर मैं पिरामिड के बेस को हटा दूं, पिरामिड के बेस को कंसीडर ना करूं, तो बाकी जितने भी सरफेस जिनको मैं टच कर सकता हूं वो पिरामिड के लेटरल सरफेस होते हैं, पार्श्व पृष्ठ होते हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ पा रहे हो, यहां पे समझिए, गौर से समझिए। मैं आपके सामने एक पिरामिड दिखा रहा हूं, पिरामिड विद स्क्वायर बेस, ये दिख रहा है पिरामिड, इसका बेस एक स्क्वायर एक वर्ग है। तो स्क्वायर के डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा पिरामिड के बेस का ग्रेविटी सेंटर, ये हो जाएगा ग्रेविटी सेंटर जी, और ये एपेक्स है। एपेक्स और बेस के ग्रेविटी सेंटर के बीच की दूरी पिरामिड की हाइट हो गई, स्मॉल एच, पिरामिड की ऊंचाई हो गई। बोलो बात क्लियर है? एकदम लाइव है, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला एपेक्स से, ये स्क्वायर है, ये एक वर्ग है, वर्ग की चारों साइड पर अगर मैं देखो परपेंडिकुलर डाल दो, इस एपेक्स से क्या करो, स्क्वायर की साइड पर यहां पे परपेंडिकुलर डाले, तो परपेंडिकुलर डालोगे यहां पे, तो ये जो लेंथ होगी ना, ये जो लेंथ होगी ये होगी आपकी स्लांट हाइट। क्या हो जाएगी? स्लांट हाइट होगी, त्रियक ऊंचाई होगी। बात समझ में? समझ आ गया। तो सेंट्रोइड है, यहां पे हमने परपेंडिकुलर डाला है, इस साइड पर यहां पर। क्लियर है? कोई दिक्कत ना? और यहां से जब आप इसको मिला दोगे तो आपको दिखाई देगा कि हवा में एक 90 डिग्री ट्रायंगल बनने, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनने, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ये होगी स्लांट हाइट स्मॉल एल। दिस विल बी द स्लांट हाइट स्मॉल एल। क्लियर है? बताइए यहां तक कोई दिक्कत? किसी भी भैया को इसमें कोई समस्या? स्लांट हाइट सभी को समझ में आ गया है, ठीक है ना? मैं आपको और भी दिखा देता हूं, जैसे यहां पे ध्यान से समझना, एक कंप्लीट 3D फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक पिरामिड है, पिरामिड का बेस बेटा एक स्क्वायर है, और ये एपेक्स हो गया। स्क्वायर के ग्रेविटी सेंटर से अगर मैं एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दूं तो अंदर दिखाई देगा आपको, हाइट हो गई ये पिरामिड की, लेकिन इस एपेक्स से स्क्वायर की चारों साइड, किसी भी साइड, स्क्वायर तो सिमेट्रिक फिगर है, उस पर परपेंडिकुलर डाल दोगे तो ये पिरामिड की स्लांट हाइट हो जाएगी, और यहां पर आपको एक 90 डिग्री ट्रायंगल दिखाई देगा। बोल दो हां। किसी को कोई दिक्कत है? बताइए, ठीक है ना? यहां भी देख लीजिए, यहां भी आपको समझ में आया होगा। मैंने देखे बहुत इजी आपको सुविधा हो जाए इसलिए मैंने ये सब चीज ली है। दिख रहा है आपको? एक पिरामिड दिख रहा है, पिरामिड का बेस क्या है? एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। पिरामिड का बेस क्या है? एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। और स्क्वायर के, देखो स्क्वायर के डायगोनलों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, वो यहां पर है। इससे एक सीधी लाइन उठा दी और इस लाइन से चारों वर्टिसेस को मिला दी, पिरामिड बन गया। और एपेक्स से स्क्वायर की किसी भी साइड पर ये परपेंडिकुलर डाल लो तो ये क्या हो जाएगी? स्लांट हाइट हो जाएगी, त्रियक ऊंचाई, ठीक है? और ये जो होगा ये स्क्वायर के डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। देखो दिखा कि नहीं? बताइए समझ में आया? फिगर भी बनाना है, आप फिगर भी बना सकते हो, जो करना है वो करिए। दिख रहा है? धरेंद्र की इंग्लिश हमसे भी बर्बाद लग रही है। देखो इससे ज्यादा हिंदी नहीं आती मुझे। इससे ज्यादा तो फिर संस्कृति हो जाएगी। समझ तो गए? ठीक है, त्रियक पेपर की बेटा कोई टिप्स नहीं है। अब ये देखो यहां भी समझ लेते हैं। दिख रहा है बेटा? बहुत प्यारे प्यारे चित्र में बना रहा हूं आपके लिए। एक पिरामिड आपको दिखाई दे रहा है, एक पिरामिड विद रेगुलर हेक्सागन बेस। अब हेक्सागन का ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रोइड। सेंट्रोइड से एक लाइन आप ऊपर की तरफ उठा दीजिए, इस पिरामिड की हाइट होगी एपेक्स। एपेक्स से इस रेगुलर हेक्सागन के बेस पर कहीं भी कोई आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगी स्लांट हाइट, त्रियक ऊंचाई। ये पिरामिड की क्या हो जाएगी? स्लांट हाइट होगी, त्रियक ऊंचाई होगी। बात समझ में आई? बताइए कोई दिक्कत यहां तक? चलिए ना, अब यहां पे ये तो बात होगी इसकी, अब कंसेप्ट पे आ जाते हैं। बात सुनना गौर से, बात सुनेंगे सभी लोग गौर से वरना घुसा बजेगा। ध्यान से देखो,
अगर पिरामिड इज ए कॉनिकल सॉलिड विद पॉलीगन बेस, अगर किसी पिरामिड का बेस एक पॉलीगन है तो उसको कोई दिक्कत है नहीं, पॉलीगन तो होगा ही होगा। अगर किसी पिरामिड का बेस एक पॉलीगन है, पॉलीगन भी कैसा, रेगुलर पॉलीगन, तो स्लांट हाइट होगी, केवल स्लांट हाइट होगी, बताइए कोई दिक्कत। यहां पे आप देख रहे हैं जैसे पिरामिड का बेस एक स्क्वायर है, तो यहां पे परपेंडिकुलर डाला ये स्लांट हाइट, दूसरी हाइट पे परपेंडिकुलर डालोगे स्लांट हाइट, तीसरी साइड पे परपेंडिकुलर डालोगे स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट सारी की सारी बराबर होंगी। जैसे कि यहां पर आप देखिए इस पिरामिड का बेस एक रेगुलर हेक्सागन है, तो एपेक्स से 6 की 6 साइड पर परपेंडिकुलर डालोगे तो सारी स्लांट हाइट बराबर होंगी। लेकिन अगर किसी पिरामिड का बेस रेगुलर नहीं है तो फिर उसमें स्लांट हाइट नहीं होगी, फिर उसमें होगी स्लांट हाइट्स। अब समझ रहे हैं यहां से, मैं आपको पिरामिड एक्सप्लेन करता हूं, ए पिरामिड विद, हम आपको एक पिरामिड एक्सप्लेन कर रहे हैं, ए पिरामिड विद इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस, ए पिरामिड विद इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस, एक पिरामिड जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ध्यान से समझना, ये एक समबाहु त्रिभुज है, दिस इज ए समबाहु त्रिभुज, इसकी ये साइड भी स्मॉल है, ये साइड भी स्मॉल है, ये साइड भी स्मॉल है, तीनों साइड बराबर है, बात समझ में। इसके सेंट्रोइड से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैंने एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दी और इस लाइन से मैंने इसे ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को मिला दे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक पिरामिड, बन जाएगा पिरामिड, ठीक है। अगर इस पिरामिड की स्लांट हाइट की बात करोगे तो एपेक्स से इसकी साइड पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये स्लांट हाइट होगी, ये स्लांट हाइट स्मॉल एल और ये एच, बोलो बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पिरामिड को खोल दूं, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, अगर मैं इस पिरामिड के, आप मुझे बताइए पिरामिड में कितने, पिरामिड को सामने से देखो कितने सरफेस दिखाई दे रहे हैं, तीन सरफेस दिखाई देंगे, तीनों के तीनों सरफेस ट्रायंगल होंगे, त्रिभुज होंगे। अगर मैं इस पिरामिड को खोल दूं तो मुझे बताइए क्या ये पिरामिड इस तरीके से नहीं दिखाई देगा, क्या ये पिरामिड फिर आपका इस तरीके से नहीं दिखाई देगा। अगर आप इस पिरामिड को खोल दोगे तो आपका जो पिरामिड है वो इस तरीके से दिखाई नहीं देगा, मुझे बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, आप इस पिरामिड को खोल दो तो इस तरीके से दिखाई देगा, और पिरामिड की चोंच बंद कर दो तो क्या बन जाएगा, आपका पूरा पिरामिड बन जाएगा, खोल दोगे इसके, है ना, धुआं धुआं कर दोगे तो पिरामिड आपका इस तरीके से दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। और पिरामिड का बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीनों के तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बराबर है, बेटा ए ए ए बोल दो, हाँ क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी भैया को कोई दिक्कत है। तीन लेटरल सरफेस होंगे और तीनों लेटरल सरफेस क्या होंगे, ट्रायंगल होंगे, और ये जो होगा भैया, ये जो पॉइंट होगा ये जो चोंच है यही ऊपर जाके एपेक्स बन जाएगा जब तीनों को बंद कर दोगे, बोलो बात सही है, एपेक्स बन जाएगा, क्लियर है। मैंने बोला ये एपेक्स है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए ए है, ए है, दिख रहा है, बात समझ में आ रही है, तो एपेक्स से इक्विलेटरल साइड पे परपेंडिकुलर डालोगे यही स्लांट हाइट होती है स्मॉल एल, यही स्लांट हाइट है स्मॉल एल, तो एक्चुअल फिगर ये होती है और ये फिगर बंद हो जाती है, बोलो ठीक है, बताइए यहां तक कोई दिक्कत है, क्लियर है। ये तुम्हारा शीर्ष है, शीर्ष से समबाहु त्रिभुज की भुजा पर लंब डालेंगे तो ये स्लांट हाइट होगी, त्रियक ऊंचाई होगी स्मॉल एल, ये एपेक्स है, एपेक्स से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये स्लांट हाइट होगी स्मॉल एल, और ये तीन लेटरल सरफेस होंगे, तीन पार्श्व पृष्ठ होंगे, इसमें लेटरल सरफेस एरिया में नीचे के ट्रायंगल का जो बेस है, ट्रायंगल का एरिया को कैलकुलेट नहीं करते, किसी भी फिगर का लेटरल सरफेस एरिया होता है ऊपर का और नीचे का एरिया ना देख के केवल सामने से फ्रंट का एरिया देखते हैं। तो अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया ही इस पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया है, क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा। मुझे बताइए इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस क्या है ए, और सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर क्या है, स्लांट हाइट एल, क्लियर है, 1/2 ए इनटू एल, 1/2 बेस क्या है ट्रायंगल का ए, और सामने वाले वर्टेक्स से हाइट क्या है एल, ये एक ट्रायंगल का एरिया है, दूसरे ट्रायंगल का एरिया भी 1/2 ए इनटू एल, तीसरे ट्रायंगल का एरिया भी 1/2 ए इनटू एल, तो तीनों ट्रायंगल का एरिया ये होगा, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया ये होगा 1/2 ए इनटू एल। अब मुझे एक बात बताइए, 1/2 ए 3 हो गया, 1/2 3 ए इंटू एल क्या हो गया, 1/2 3 ए इंटू एल, समझिए मेरी बात को, तो मुझे पता चल गया 3 ए क्या है, ये 3 ए क्या है,
थ्री ए हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर, यानी कि 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट, इनटू स्लांट हाइट। तो यही होता है किसी भी पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया, उसकी पार्श्व प्रस्थ का क्षेत्रफल, 1/2 आधार का परिमाप गुणा त्रियक ऊंचाई, 1/2 आधार का परिमाप गुणा त्रियक ऊंचाई, ये पिरामिड का होता है LSA, लेटरल सरफेस एरिया। अगर किसी पिरामिड, ये फॉर्मूला केवल तभी लगेगा जब आपके पिरामिड का बेसिक रेगुलर पॉलीगन हो, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है तो सीधा लेटरल सरफेस एरिया 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट, स्लांट हाइट एक ही होगी, तीनों स्लांट हाइट, ये एल की लंबाई बराबर हो जाएगी। क्यों बराबर हो जाएगी? क्योंकि बेस एक रेगुलर पॉलीगन है। बेस क्या है? एक रेगुलर पॉलीगन है। बोलो, बात समझ में आई? सभी को समझ में? लेकिन भैया मेरे, एक बात ध्यान रखना, अगर मैं कोई ऐसा ट्रायंगल बनाता हूं जिस जो है जो इक्विलेटरल नहीं है, जिसकी तीनों साइड अलग अलग हैं, जिसकी तीनों साइड अलग अलग हैं, अगर मैं कोई ऐसा ट्रायंगल बनाता हूं जिसकी तीनों साइड अलग अलग हैं, ठीक है, तो इसके ग्रेविटी सेंटर से अगर मैं एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दूं और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस को मिला दूं तो एक पिरामिड बनेगा। अगर मैं इस पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया आपसे पूछूं तो जरा इसको अभी धुआं धुआं करने की कोशिश करते हैं, तो गौर से समझना कि बेटा मेरे, ये तुम्हारा एक ट्रायंगल है, एनर्जी होनी चाहिए सब में, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड है ए बी सी, ये एपेक्स है, व्हाट इज दिस इज एपेक्स, ये शीर्ष है, क्या है? ये शीर्ष है। तो भैया मेरे, अगर मैं इसके तीनों सरफेसेस को ऐसे खोल दूंगा तो आपको तीन ट्रायंगल दिखाई देंगे, आपको तीन ट्रायंगल दिखाई देंगे, छोटे बड़े हो जाएंगे ट्रायंगल, आपको तीन ट्रायंगल दिखाई देंगे, सारे के सारे ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? छोटे बड़े हो जाएंगे, बताइए, क्लियर है? अब मुझे बताइए, ये जो चोंच है यही एपेक्स है, इसको बंद कर दोगे तो यही एपेक्स है, यही अपेक्स है, यही तीन ट्रायंगल हैं इस पिरामिड के लेटरल सरफेस पार्श्व प्रस्थ। त्रियक ऊंचाई निकालेंगे कैसे बेटा? बता दूंगा, चिंता ना करो, बता दूंगा, चिंता ना करो, ध्यान से समझना, यहां तक बात क्लियर है? कोई शंका इसमें किसी भैया को शंका नहीं होनी चाहिए। अगर भैया मेरे, मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इस वाले लेटरल सरफेस की स्लांट हाइट L1 होगी, मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, क्योंकि तीनों ट्रायंगल का बेस अलग अलग है तो यहां पे तीनों की स्लांट हाइट जो है ये भी अलग अलग होगी, तीनों ट्रायंगल एक जैसे नहीं है, तीनों ट्रायंगल एकदम अलग अलग है, तीनों ही ट्रायंगल की स्लांट हाइट भी अलग अलग होगी। अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो यही पूरे पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो पूरे पिरामिड का जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो होगा 1/2, ये बेस ए है, हाइट L1, प्लस 1/2 बेस बी है, हाइट L2, प्लस 1/2 ये बेस सी है और उसकी हाइट कितनी है ट्रायंगल की? L3। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर किसी ट्रायंगल, अगर किसी पिरामिड का बेस पॉलीगन है, बहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है, अगर रेगुलर पॉलीगन है, अगर किसी पिरामिड का बेसिक रेगुलर पॉलीगन है, किधर गया? इस तरीके से कहां गया भाई? ये रहा। अगर रेगुलर पॉलीगन है जैसे AA, तो ट्रायंगल का लेटरल सरफेस एरिया, अगर रेगुलर पॉलीगन है तो सारी स्लांट हाइट बराबर हो जाएंगी, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट, ये सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाता है। लेकिन अगर बेस रेगुलर पॉलीगन नहीं है, बेस की साइड अगर सारी अलग अलग हैं, तो आपको हर एक लेटरल सरफेस का एरिया अलग अलग निकालना पड़ेगा, इसका 1/2 AL1, इसका 1/2 BL2, इसका 1/2 CL3। अगर रेगुलर पॉलीगन नहीं है, नॉन रेगुलर है, तो भैया मेरे फिर स्लांट हाइट नहीं होती, एक त्रियक ऊंचाई नहीं होती, फिर होती है त्रियक ऊंचाइयां, स्लांट हाइट्स। बताइए यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत है? सभी को पल्ले पड़ गया है? सभी को समझ में आ गया है ये बात? ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? समझ में आया? तो अब मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया, किसी भी पिरामिड का पार्श्व प्रस्थ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया हिंदी वाले भाई भी लिख लेंगे, पार्श्व प्रस्थ का क्षेत्रफल,
पार्स पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी भी पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया अगर उसका बेस रेगुलर है तो होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट्स, स्लांट हाइट ये होता है किसी भी पिरामिड का पार्स पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस आधार का परिमाप गुणा स्लांट हाइट यानी कि त्रियक ऊंचाई, 1/2 आधार का परिमाप गुणा त्रियक ऊंचाई, समझ गए, 1/2 आधार का परिमाप इंटू त्रियक ऊंचाई। लेकिन अगर मैं पिरामिड के टीएसए की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, किसी भी फिगर का टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें जितने भी सरफेस हैं सबका एरिया जोड़ लो, सबका एरिया जोड़ लो, क्लियर है। जैसे मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, पहले मैं समझाऊं एलएसए टीएसए क्या होता है। ये बेलन दिख रहा है तुम्हें, मेरे नाम का बेलन है, देखो ध्यान से, यहां पे ये जो तुमको मैंने पेपर सामने से देखो बेटा, इस सिलेंडर को ये जो पेपर सफेद सफेद तुमको दिख रहा है ना, ये लेटरल सरफेस एरिया, ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया नहीं लेना। लेकिन अगर मैं टोटल सरफेस की बात करूं, संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं, तो ये सफेद सफेद तो लेना ही है, ये है लेटरल सरफेस जो सामने से है, ऊपर वाला और नीचे वाला भी लेना है। तो पिरामिड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा ना, उसमें तुमको लेटरल सरफेस एरिया तो लेना ही लेना है, प्लस बेस का एरिया भी कैलकुलेट करना है, प्लस एरिया बेस आधार का जो क्षेत्रफल है, पिरामिड का एक ही बेस होता है, बेस का एरिया आपको और ऐड करना है। तो पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया है लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस, ठीक है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? लिटल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। मजा आ रहा तो लाइक जरूर कर देना भैया, ठीक है। प्रिज्म अलग है, पिरामिड अलग है, आज मैं केवल पिरामिड ही डिस्कस करूंगा। लिटल सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पिरामिड के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, पिरामिड के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। बात समझ में आई? अरे कोई दिक्कत है? अगर मैं किसी पिरामिड के वॉल्यूम आयतन की बात करूं, किसी भी पिरामिड के वॉल्यूम, चूंकि कॉनिकल सॉलिड है, किसी भी पिरामिड के वॉल्यूम या आयतन की बात करूं, तो किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यहां पे स्लांट हाइट नहीं यूज होगी, यहां पे यूज होगी आपकी हाइट। 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, 1/3 किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है। 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम जो होता है 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट। यहां तक किसी भी भैया को कोई दिक्कत है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये सारे फॉर्मूले आपने छाप लिए पिरामिड के? अरे बोल दो, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हुई हो? समस्या हुई है, ठीक है। हाँ, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, क्लियर ना? यहां तक सभी को कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो मैंने आपको दो चीजें समझाई, पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, उसकी हाइट क्या होती है, इसकी स्लांट हाइट क्या होती है, पिरामिड क्या होता है। चलिए अब सभी लोग एक हेडिंग डाल लेंगे, पिरामिड की स्लांट एज, स्लांट एज, स्लांट एज, हिंदी में कहते हैं इसको त्रियक किनारा, त्रियक किनारा, स्लांट एज हिंदी में क्या कहेंगे बेटा इसको? त्रियक किनारा, त्रियक किनारा, स्लांट एज, त्रियक किनारा। अब स्लांट एज क्या होती है उसको समझने की कोशिश करना। आपको मैंने बताया पिरामिड की हाइट क्या होती है, एपेक्स से ग्रेविटी सेंटर की दूरी। मैंने बताया पिरामिड की स्लांट हाइट क्या होती है, एपेक्स से पिरामिड के बेस पर परपेंडिकुलर डालो। अब मैं बता रहा हूं पिरामिड की स्लांट एज क्या होती है, त्रियक ऊंचाई क्या होती है। और मैं आपके पेपर में जो 99% सवाल आएंगे वो उस पिरामिड पर आएंगे जिसका बेसिक रेगुलर पॉलीगन हो। रेगुलर पॉलीगन जैसे स्क्वायर है आपका, ट्रायंगल है आपका, हेक्सागन है। तो किसी भी पिरामिड का अगर मैं बात करूं स्लांट एज की, तो ये एपेक्स हो गया, ये शीर्ष हो गया।
एपेक्स से बेस, एपेक्स से बेस के जो किनारे होते हैं, एपेक्स से बेस से किनारों की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है ना, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है एपेक्स से बेस की, यही है तुम्हारी पिरामिड की स्लांट एज, ये किनारा जो कोने होते हैं। क्लियर है कि नहीं? जो किनारा है, समझ में आया सभी भैया को? सभी को समझ में आया गया है? कोई दिक्कत हुई है? एपेक्स से पिरामिड के बेस, पिरामिड के आधार के जो किनारों की दूरी होती है ना, शीर्ष से किनारों ये जो दूरी होती है, यही होती है स्लांट एज, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। किससे डिनोट करते हैं? ई से इसको नोट करते हैं। ठीक है, आप यहां तक बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से अगर मैं इसको देखूं, यहां भी समझ सकते हो, यहां भी समझ सकते हो कि तुम्हारा एक ट्रायंगुलर बेस पिरामिड है, तो एपेक्स से इस ट्रायंगल के कोने की जो दूरी है, यह है स्लांट एज, ये एपेक्स है। एपेक्स से रेगुलर हेक्सागन के कोने की जो डिस्टेंस है, यह है स्लांट एज। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई समस्या? क्लियर है? जैसे यहां पे इस 3D फिगर में समझिए, आप इस 3D फिगर में समझिए, पिरामिड का बेस क्या है? एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है, वर्ग है। अगर स्क्वायर है, वर्ग एक रेगुलर पॉलीगन है, ये एपेक्स है, तो एपेक्स से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी होगी पिरामिड की हाइट। एपेक्स से मैंने स्क्वायर की भुजाओं पर ये परपेंडिकुलर डाला, ये पिरामिड की स्लांट हाइट स्मॉल एल। बात सही है? और भैया मेरे एक बात बता दो कि एपेक्स से इस स्क्वायर के कोनों की ये जो दूरी है, जो कोनों की ये जो दूरी है, जो कॉर्नर की जो डिस्टेंस है, कॉर्नर की डिस्टेंस ही दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये सब स्लांट एज है। यही स्लांट एज है आपकी त्रियक किनारा। स्लांट एज, त्रियक किनारा, बोलो यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत हुई हो? त्रियक किनारा, स्लांट एज। हाँ, एमडी क्या हुआ सब? इक्विलेटरल, ये स्क्वायर बेस पिरामिड है, तो आपको फर्क समझ में आया पिरामिड की हाइट में, पिरामिड की स्लांट हाइट में, पिरामिड की स्लांट एज में। सही है? 2D इसके बाद करवाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट क्लियर है सारे के सारे सभी भाइयों को? ये समझ में आया? सारे मैंने आपको प्रूफ कर करके बताए हैं, ये सब मैं हटा दे रहा हूं अभी ना। अब देखो, मैं वन बाय वन आपको स्टेप में बताऊंगा। सबसे पहले मैं पिरामिड विद ट्रायंगल बेस बताऊंगा, फिर स्क्वायर बेस बताऊंगा, फिर रेक्टेंगल बेस बताऊंगा, फिर हेक्सागन बेस बताऊंगा, और यही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे प्यारा हेडिंग आप डाल लेंगे ए पिरामिड विद, क्योंकि हम हमेशा पिरामिड के बेस को एक रेगुलर पॉलीगन लेके चलेंगे, आपके एग्जाम में उसी पे सवाल बनेंगे। ए पिरामिड विद इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस, ए पिरामिड विद इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस। ठीक है, एक पिरामिड है जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मुझे बताइए वो पिरामिड किस टाइप का होगा? वो जो पिरामिड होगा किस टाइप का होगा? गौर से सुनना भैया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। ये पिरामिड है, ये पिरामिड का बेस हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैंने एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दी और यहां से मैंने मिला दिया इस तरीके से इसके कोनों को, तो ये बन गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज के ऊपर पिरामिड। बात समझ में आई? स्लांट हाइट मिड पॉइंट को जोड़ती है, हाँ जोड़ती है। एपेक्स मतलब होता है शीर्ष। अब मुझे एक बात बताइए, गौर से सुनना, सभी लोग गौर से सुनना, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर मैं इसको खोल दूं, अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को खोल दूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर जो पिरामिड बन रहा है उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, तो ये पिरामिड के ऊपर जो आपके लेटरल सरफेस है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, बोलो हाँ, यहां तक किसी भी भैया को कोई समस्या हुई हो? ये बात सही है, और यहां पे इन लेटरल सरफेस की जो ये जो हाइट होगी, ये होगी पिरामिड की स्लांट हाइट एल, ये हो जाएगी इसकी स्लांट हाइट स्मॉल एल। यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये होगी इस पिरामिड की स्लांट हाइट स्मॉल एल। क्लियर है? मुझे बताइए, ये एपेक्स है, ये भी पिरामिड की स्लांट एज होगी, ये भी स्लांट एज होगी, सब क्या होंगे? पिरामिड की स्लांट एज होंगी, त्रियक किनारा होंगे।
अब यहां पे एक बात समझने, चूंकि ये फिगर एक सिमेट्रिक फिगर है, ये भी स्लांट एज ई है, ये भी स्लांट एज आपकी ई है, बात समझ में आ रही है। इसको बंद कर दोगे तो पिरामिड बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर। तो अगर ये ई है या परपेंडिकुलर डाल लो तो आधा आधा नहीं बाइसेक्ट करेगा, ये भी ए बाई टू हो जाएगा। आइसोसेलस समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी ए बाई टू हो जाएगा। बोलो हाँ हो जाएगा। हमेशा इस टाइप के केसेस में पाइप पूरे पिरामिड का आधार ही पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लेंगे, अगर मैं इस वाले कांटा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, ये एल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये ए बाई टू है, ये ई है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ई स्क्वायर बराबर जो होगा एल स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर होगा। ये आएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से। बोलो यहां तक कोई बात, किसी को कोई दिक्कत हुई हो इसमें? सभी को समझ में आया होगा ई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो किसी पिरामिड जिसका बेसिक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी स्लांट एज, उसकी स्लांट हाइट और उसकी साइड में क्या रिलेशन है, वो यहां से आएगा। क्लियर है? स्लांट हाइट कैसे निकलेगी मैं वो भी बता रहा हूं। यहां तक समझ में, किसी भी भैया को कोई दिक्कत है स्लांट हाइट कैसे निकलेगी वो भी समझेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने बना रहा हूं एक, अरे भैया बहुत मेहनत लगती तुम लोगों को बताने में, ठीक है? इतनी मेहनत के साथ मेरे गुरुजी मेरे को सपने में बताते तो घर बैठे ही पढ़ लेते हम तो ट्यूशन, तुमको बताना पड़ रहा है, ठीक है? एक पिरामिड बनाया जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी साइड स्मॉल ए है, ये हो गया। अब इसके ग्रेविटी सेंटर से मैंने यहां से एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दी, ये होगी पिरामिड की हाइट स्मॉल एच। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये हो गया एपेक्स, दिस टॉप पॉइंट इज एपेक्स शीर्स। इस एपेक्स से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की किसी भी भुजा पे परपेंडिकुलर डाल दो तो ये होगी स्लांट हाइट स्मॉल एल। ये क्या हो गई? ये हो गई पिरामिड की त्रियक ऊंचाई स्लांट हाइट स्मॉल एल। अब मुझे बताइए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और यहां से इसको मिलाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? 90 डिग्री का होगा ये एंगल, ऑलवेज 90 डिग्री का होगा। आप मुझे बताइए 90 डिग्री है, स्लांट हाइट स्मॉल एल है, ये एच, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? तो आप एक बात समझना, ये एक सिमेट्रिक फिगर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के शीर्ष से यहां पर परपेंडिकुलर डाल लो तो दो इक्वल पार्ट में काट देगा, इक्वल इक्वल कर देगा। आप सभी लोगों को पता है कि जैसे अगर मैं कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूं, समबाहु त्रिभुज आता हूं साइड ए का और इसकी तीनों माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रोइड होता है और सेंट्रोइड से अगर मैं ये डिस्टेंस लूं तो ये डिस्टेंस 2:1 के रेशियो में होती है। क्लियर है? ये क्या होता है? ये होती है आपकी इन रेडियस और ये होती है आपकी सरकम रेडियस कैपिटल आर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में बता रहा हूं। तो सरकम रेडियस होती है परिवृत्त की त्रिज्या होती है समबाहु त्रिभुज की ए बाई रूट थ्री और इन रेडियस क्या होती है? इन रेडियस होती है स्मॉल आर बराबर ए बाई टू रूट थ्री। ये कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए था इक्विलेटरल ट्रायंगल का। नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या फिर सेंट्रोइड है वो तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। ये डिस्टेंस कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये माध्यिका होगी 2:1 का रेशियो। सरकम रेडियस ए बाई रूट थ्री, इन रेडियस ए बाई टू रूट थ्री। बताइए यहां तक बात समझ में आई? बिल्कुल। अगर ये स्मॉल, ये तुम्हारा स्लांट हाइट है, ये एच है, तो ये जो डिस्टेंस होगी स्मॉल आर होगी। स्मॉल आर मतलब ए बाई टू रूट थ्री। कितना? ए बाई टू रूट थ्री इन रेडियस के बराबर स्मॉल आर। बताइए यहां तक किसी भी भैया को कोई दिक्कत हुई हो अभी तक? क्लियर है? कितने पढ़ रहे हैं? किसी को कोई समस्या? एपेक्स सीड्स वर्टेक्स एक ही बात है यार, थोड़ा सा तो दिमाग लगाया करो। बिल्कुल बेच खा लिया क्या? थोड़ा बहुत है, है? यहां तक कोई समस्या? हाँ
यहां तक समझ में आया है? ये आपको थोड़ा सा बेसिक है जो ज्योमेट्री का पता होना चाहिए। अब अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं कोने में ले जाऊं, कहां ले जाऊं, कोने में ले जाऊं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को, समबाहु त्रिभुज को, तो समबाहु त्रिभुज वैसे बन रहा है आकाश में, स्पेस में। यहां पे देखोगे 90 डिग्री है, ये एच है बेटा मेरे, क्या है ये एच है, क्या है ये एच है, ये इन रेडियस है स्मॉल आर, स्मॉल आर कितना ए बाई टू रूट थ्री, क्लियर है। और 90 डिग्री के सामने पिरामिड की स्लांट हाइट है स्मॉल एल, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो एच स्क्वायर प्लस ए बाई टू रूट थ्री का होल स्क्वायर ये होगा और बराबर बनेगा एल स्क्वायर। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए पिरामिड जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये रिजल्ट हम यूज करते हैं, फॉर्मूले हैं, रट्टा नहीं मारने हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कंसेप्ट ये लगेगा, स्लांट हाइट निकालने के लिए कंसेप्ट जो लगेगा ये लगेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? एच स्क्वायर प्लस ए बाई टू रूट थ्री स्क्वायर बराबर स्मॉल एल स्क्वायर, सही है, समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत, बात सही ना? अब मुझे एक बात बताइए, मैं स्लांट एज भी निकालना चाहता हूं। मैंने आपको यहां पे दोनों में ही रिलेशन बता दिया, ये वाला समझ में आया, ये वाला समझ में आया, ठीक है, दिस वन आपको समझ में आया स्लांट हाइट निकालने के लिए। अब यहां पे मैं बताना चाहूंगा आपको स्लांट एज। नाउ एक कंसेप्ट और समझना, आगे वाले पेज पे बता दें क्या, देखो बहुत टेक्निकल दिमाग चाहिए भैया, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं है। हाँ, एपेक्स वाला रिपीट, सब समझ आ रहा है? चलिए ध्यान से देखो। अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे तुम्हारा एक पिरामिड है जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज की साइड ए, इस समबाहु त्रिभुज की साइड ए, इस समबाहु त्रिभुज की साइड ए हो गई, क्लियर है। इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि सेंट्रोइड से तीनों भुजाओं के माध्यिकाओं से हमने एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दी और ये हो गई इसकी हाइट, बोलो सही बात है, सही बात है। और यहां से बात सुनना, ये एपेक्स हो गया, शीर्ष हो गया, व्हाट इज दिस, इज ब्यूटीफुल शीर्ष, शीर्ष से मैंने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के इसको मिला दे, मैंने कोने को मिला दे, तो ये है एज, ये होगी स्लांट एज स्मॉल ई, स्लांट एज स्मॉल ई, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो होगा, ये जो क्या ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, ये ट्रायंगल जो है बेस है, आधार है, और ये जो लाइन है ये ऊपर की तरफ है, ट्रायंगल ऐसे बेस में है, लाइन ऐसे ऊपर की तरफ है, क्लियर है, बताइए यहां तक कोई समस्या, यहां तक किसी भी भैया को कोई समस्या? मुझे एक बात बताइए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो ये सरकम रेडियस होगी, ये सरकम रेडियस होगी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की परिवृत्त की त्रिज्या, और सरकम रेडियस क्या होती है, ए बाई रूट थ्री, क्या होती है सरकम रेडियस, ए बाई रूट थ्री, दिक्कत? तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं अगर कोने में ले जाऊं तो आप इस तरीके से समझ पाओगे, ये तो है पिरामिड की हाइट स्मॉल एच, सही है, पिरामिड की हाइट स्मॉल एच ना, और यहां पे ये पिरामिड की, ये पिरामिड के बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल की परिवृत्त की त्रिज्या होगी कैपिटल आर बराबर ए बाई रूट थ्री, और ये हो चुकी है आपकी इस पिरामिड की स्लांट एज त्रियक किनारा स्मॉल ई स्लांट एज, क्लियर। यहां तक किसी भी भैया को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? सब समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर प्लस ए बाई रूट थ्री का स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, स्लांट एज ई स्क्वायर। एक रिजल्ट यहां पर यह भी बनता है, एक रिजल्ट यहां पर यह भी बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां पर किसी भी भैया को? एच स्क्वायर प्लस ए बाई रूट थ्री का स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, स्मॉल ई स्क्वायर। तो मैंने, हाँ मैंने आपको तीन तीन केस बताए, एक पिरामिड, पिरामिड का बेस मैंने लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीन राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। देखो तीन लेंथ हो गई, एक तो हो गया आपका हाइट, एक स्लांट हाइट, एक हो गया स्लांट एज, तो तीन राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, तीन समकोण त्रिभुज बनेंगे। एक समकोण त्रिभुज तो बनता है लेटरल सरफेस पर ही, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये बना है लेटरल सरफेस पर ही, ये वाला ट्रायंगल लेटरल सरफेस पर ही बना है जो स्लांट एज और स्लांट हाइट में रिलेशन बताता है, क्लियर है।
बात समझ में। दूसरा अगर यहां पे देखो, एक तुम्हारा ट्रायंगल बनता है राइट एंगल ट्रायंगल हाइट और ये स्लांट हाइट के लिए, और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल आपका बनता है हाइट और स्लांट एज के लिए, इस तरीके से। क्लियर है? ये रेगुलर पॉलीगन के केस में है। क्लियर हो रहा है सभी को? कंसेप्ट क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट नेक्स्ट, सभी लोग अगला ब्यूटीफुल हेडिंग डालेंगे, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन समचतुष्फलक, समचतुष्फलक, टेट्राहेड्रॉन को हम हिंदी में कहते हैं समचतुष्फलक। सब लोग हेडिंग डाल लेंगे टेट्राहेड्रॉन समचतुष्फलक। समझ में आ रहा है? पाई परसेंट, हाँ, समचतुष्फलक, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? तो टेट्राहेड्रॉन भी समचतुष्फलक, वर्ड देख रहे हो, टेट्राहेड्रॉन समचतुष्फलक। एक अगर मैं आपसे कहूं एक पिरामिड है, पिरामिड का बेसिक ट्रायंगल है, तो कितने सरफेस हैं पिरामिड में? चार। एक पिरामिड है जिसका बेसिक ट्रायंगल है, तो उस पिरामिड में कितने सरफेस होंगे? चार सरफेस होंगे। इतनी बात तो समझते हो? तो टेट्राहेड्रॉन एक ऐसा पिरामिड है जिसके चारों ही सरफेस क्या हैं? जिसके चारों ही सरफेस इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, विद सेम साइड, विद सेम साइड। क्लियर है? सो दिस इज ए टेट्राहेड्रॉन, दिस इज ए टेट्राहेड्रॉन, बोलो ये है, जिसके चारों जो सरफेस हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद सेम साइड। ये भी स्मॉल ए, 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 ये बात ध्यान रखना। तो टेट्राहेड्रन इज ए पिरामिड, पिरामिड विद ऑल सरफेसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो टेट्राहेड्रन एक ऐसा पिरामिड है जिसके चारों ही सरफेस, तीन तो लेटरल सरफेस और बेस, सारे के सारे क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये आपका एक टेट्राहेड्रन है। अगर मैं इस टेट्राहेड्रन को खोल दूं तो टेट्राहेड्रन का बेस एक समबाहु त्रिभुज होता है। इस समबाहु त्रिभुज की साइड क्या है? इस समबाहु त्रिभुज की साइड क्या है? स्मॉल ए है। तो अगर इसका लेटरल सरफेस, इस लेटरल सरफेस को देखो, इस वाले लेटरल सरफेस को देखो और इस वाले लेटरल सरफेस को देखो, ये जो तीनों लेटरल सरफेस हैं, ये भी क्या है? ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ये साइड भी स्मॉल ए होगी, ये 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 भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। बोलो यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? तो पिरामिड एक ऐसा पिरामिड जिसके चारों ही सरफेस क्या हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? तो अगर मैं इस टेट्राहेड्रन की स्लांट हाइट की बात करूं, तो इसकी जो स्लांट हाइट होगी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर होगी। इसकी जो स्लांट हाइट होगी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर होगी कि नहीं? तो इसकी जो स्लांट हाइट होगी टेट्राहेड्रन की, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होगी, √3/2। ठीक है, क्या हो जाएगा? √3/2। तो टेट्राहेड्रन की त्रियक ऊंचाई जो होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर होती है, √3/2। समझ में आ रहा है? बताइए, कोई दिक्कत? समझ में आया? अगर मैं इस इक्विलेटरल सॉरी इस टेट्राहेड्रन के लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं? लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं? लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं। चार इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऐसे क्लोज्ड कर दो, ये तो बेस रहेगा, और इनको ऐसे करके एपेक्स है, जो कॉमन पॉइंट है एपेक्स है, ऐसे ऊपर मिलकर इनकी चोंच को मिला दो, क्या बन जाएगा आपका? वो बन जाएगा टेट्राहेड्रन समचतुष्फलक। अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं टेट्राहेड्रन के, तो ये जो तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ये जो तीन सरफेस हैं, ये जो तीन सरफेस है, बेस को इंक्लूड नहीं करना, आधार को नहीं लेना, इनका एरिया, इनका एरिया लेटरल सरफेस का एरिया हो जाएगा। अब अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4a². लेकिन अगर ये तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लोगे, तो तीन से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, तो ये होता है लेटरल सरफेस एरिया टेट्राहेड्रन का। बोलो बात सही है? यहां तक क्लियर? सभी को समझ में आया ना?
अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं टेट्राहेड्रन के समचतुष्फलक के टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूं, हाँ, टेट्राहेड्रन का मतलब समचतुष्फलक, केवल हम ट्रायंगुलर बेस की ही बात करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस, चारों के चारों बेस क्या है, ऑल सरफेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तो सही है। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और आधार भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और चारों की साइड भी बराबर है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया रूट 3/4 है स्क्वायर। लेकिन अपने को तो टोटल सरफेस का निकालना है, तो चार से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो रूट 3a² अंडर रूट 3a² ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया आपका, बताइए, टेट्राहेड्रन का। यहां तक बात समझ में आई है? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या हुई हो अभी तक? क्लियर? वेरी इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, आसान भी है, ठीक है, क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रन की हाइट की, हम बात करते हैं टेट्राहेड्रन की हाइट की। हमको पता है कि टेट्राहेड्रन की स्लांट हाइट रूट 3/2a है। हम बात करते हैं हाइट, हाइट की, स्लांट हाइट तो रूट 3/2 है, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन, समचतुष्फलक की ऊंचाई क्या होती है, ये समझना। मैंने लिटरल सरफेस एरिया बता दिया, टोटल सरफेस एरिया बता दिया, स्लांट हाइट बता दी, हमको बात करने हाइट की। अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे एक पिरामिड है जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन बेसिस पर खड़े सरफेसेस भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो टेट्राहेड्रन होगा। इसे टेट्राहेड्रन के बेस की जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ए ए है, हमने यहां से ग्रेविटी सेंटर से एक लाइन ऊपर की तरफ उठाई, क्लियर है, ऊपर की तरफ उठाई, गौर से सुनना, और यहां से जब हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये हो गई, ये तो हाइट है, ये स्लांट हाइट है। तो टेट्राहेड्रन की जो स्लांट हाइट है, मैं अभी बता चुका हूं, टेट्राहेड्रन की जो त्रियक ऊंचाई है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर होगी, ये होगी रूट 3/2, अरे यही होगी रूट 3/2, सभी को दिख रहा है रूट 3/2, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये जो होगी ना स्लांट हाइट, ये हो जाएगी भैया मेरे रूट 3/2 स्लांट हाइट, क्लियर है ना। चूंकि मुझे एक बात बताना बेटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस है, इसका ग्रेविटी सेंटर है, सेंट्रोइड होगा, और यहां पे इसको एकदम मिड पॉइंट पे जाके मिलेगी, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या, इन रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या, दिस इज इन रेडियस। इन रेडियस क्या होती है, अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर होती है a/2√3, और ये जो एंगल होगा बेटा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिखा सभी को, दिस एंगल इज 90 डिग्री, हाँ आशु समझिए। तो अगर मैं समबाहु त्रिभुज को कोने में ले जाऊं तो आपको एक छोटा सा इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा, और मैंने आपको पहले भी बताया इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितना है, ये होगी टेट्राहेड्रन की हाइट h, और ये हो गई इन रेडियस a/2√3, और ये टेट्राहेड्रन की स्लांट हाइट √3/2a। बोले कोई दिक्कत है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को? ये मैं आपको समझा चुका हूं कि हमेशा स्लांट हाइट के लिए आप इस तरीके से परपेंडिकुलर डालते हो, राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करते हो। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h² + a/2√3 का स्क्वायर, यानी कि a² / 12 बराबर √3/2a का होल स्क्वायर, यानी कि 3/4a² यहां तक बात क्लियर है? 3/4a² h² बराबर, अच्छा इसको उधर ले आओगे, 12 है, इसको भी 12 कर लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 9/12a² - a² / 12 ये हो जाएगा, तो 9 - 1 = 8, 8a² / 12 ये हो जाएगा, तो 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12 सही है। तो h² = 2/3a² यही बनेगा, h² = 2/3a² बोलो बोलो, हाँ क्लियर है। आसू अब पूछ रहे स्लांट हाइट, स्लांट हाइट मतलब त्रियक ऊंचाई, ठीक है, हाँ ये बैच मोर देन सफिशिएंट है। तो अगर आप दोनों तरफ से अंडरूट ले लोगे तो h = 2/3 का अंडरूट क्या हो जाएगा √2/√3a,
अंडर रूट टू बाई अंडर रूट थ्री ए, ये होती है हाइट ऑफ ए टेट्राहेड्रन। ये कंसेप्ट रट्टा मार लो, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन। एक सम चतुष्फलक की जो ऊंचाई होगी वो रूट, बेटा क्वेश्चन करना आसान है पिरामिड के, थ्योरी क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा। दिक्कत तो ये है कि दुनिया को इसका वो ही नहीं पता, ठीक है, और आपको ये साथ डिस्कस भी नहीं किया था। 30-40 मिनट की क्लास में पिरामिड खत्म, 30-40 मिनट में तो माहौल बनता है ना। एनालिसिस कराएंगे पेपर की, हाँ वो देखेंगे हम। हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन कितना हो जाएगा, एच बराबर रूट टू बाई रूट थ्री ए। यहां तक बोलो, किसी को कोई दिक्कत आई हो इसमें, किसी स्टूडेंट को कोई समस्या आई हो, ठीक है। आप यहां पे स्लांट हाइट के लिए वो वाला भी ले सकते, स्लांट एज वाला भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती। स्लांट एज वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल लिया जा सकता था, ठीक है ना। अगर हम किसी टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन किसी आयतन के, किसी समचतुष्फलक के, समचतुष्फलक तो समझते हो, उसके आयतन की बात करें तो टेट्राहेड्रन भी एक टाइप का पिरामिड ही है। तो पिरामिड का जो आयतन होता है, पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है, वो पहली बात आ चुका हूं, 1/3 एरिया ऑफ बेस, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यही है, बताइए क्लियर है। शॉर्ट रहेगा वो और भी शॉर्ट हो जाएगा, हां लग रहा है मुझे, ठीक है। तो 1/3 एरिया ऑफ बेस। आप मुझे बताइए कि टेट्राहेड्रन की मैं बात कर रहा हूं, टेट्राहेड्रन का बेस क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है, तो बेस का एरिया कितना होगा, बेस का एरिया हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। और मैंने अभी निकाला कि टेट्राहेड्रन की स्लंट हाइट तो √3/2 ए है, लेकिन टेट्राहेड्रन की हाइट क्या होती है, समचतुष्फलक की हाइट क्या होती है, √2/√3 ए, क्या है, √2/√3 ए, ये होती है हाइट। और जहां पे ए क्या है, ए इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो आप देखोगे भैया मेरे की √3 से √3 कट जाएगा, √2 ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, और नीचे 4 × 3 = 12, कितना हो जाएगा 12, 4 × 3 = 12, बात समझ में आई, क्लियर है, हाँ हिंदी में ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है, भूपेश नाम है आपका। अच्छा √2 से 12 नहीं कट जाएगा, 6 × 12 √2 times, तो ए क्यूब बटे 12 मतलब 6 × 12 यानी कि 6√2। तो टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होगा वो भी मैंने निकाल दिया, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब बटे 6√2, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब बाई 6√2। 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट, कौन भी कुछ कुछ पिरामिड की प्रॉपर्टी बताता है, यहां तक बात क्लियर है। 9/12 कैसे हुआ भैया, अगर ये 3/4 है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 9/12 हो जाएगा ना, 9/12, यहां तक बात क्लियर है। ये जो सारे मैंने आपको शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक मैंने आपको जो बताया है, पिरामिड क्या होता है, ये क्या होते हैं, कितने टाइप के पिरामिड होते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड क्या होता है, स्क्वायर पिरामिड क्या होता है, एपेक्स क्या होता है, स्लंट हाइट क्या होती है, स्लंट एज क्या होती है, ठीक है, इसके कैसे टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, है ना, क्या रिलेशन, कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, 3-3 राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, लिटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टेट्राहेड्रन क्या होता है, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या होता है, आपको कुछ भी पल्ले पड़ा। रूट टू कैसे काटा सर, अरे यार 12 का मतलब 6 × 12, कैसे काम चलेगा तुम्हारा, √2 a³ 12 का मतलब 6 × 12, √2 से 2 काटोगे √2 times चला जाएगा ना। मुकुल कह रहे बच्चे अपना नाम भी भूल जाते हैं अच्छा तुम रमन हो, रमन भाई मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी ठीक है, फीलिंग लकी। कितने स्टूडेंट को एक कंसेप्ट समझ में आया है, यस और नो बोल दो, क्योंकि अब ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं ये बताने वाला हूं मिटा, ठीक है, और अब जो है हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ देखो रफ हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा आपके पास।
थ्योरी क्लियर है, सभी को पल्ले पड़ गया, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पक्षपात, अरे कोई पक्षपात ना हो रहा, कांगे पिरामिड के ये रहे। सवाल नंबर वन कर दो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है, कौन बनाएगा? देखो डायग्राम नहीं समझ में आया है छोड़ दो, अब क्वेश्चन से चीजों को क्लियर करेंगे, है ना। राहुल को नहीं पल्ले पड़ रहा है, डेविड का नाम डेविड है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन हुज हाइट इज 4√2 सेंटीमीटर, 4√2 सेंटीमीटर, समझ आ गया है? ठीक है, स्क्वायर बेस्ड वाला। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि पहले मैं ट्रायंगुलर बेस डिस्कस करूंगा, फिर स्क्वायर डिस्कस करूंगा, फिर रेक्टेंगल, फिर हम हेक्सागन पे आएंगे। तो सबसे पहले मैंने ट्रायंगुलर समझाया, अब मुझे बताइए कि टेट्राहेड्रन क्या है, समचतुष्फलक है। उस समचतुष्फलक का टोटल सरफेस एरिया बताना है जिसकी हाइट 4√2 है। हाइट कितनी है? 4√2। मुझे बताइए कि टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन का बेस क्या होता है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है, तो टेट्राहेड्रन की हाइट क्या होती है? √2/√3 ये होती है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रन की जो साइड है वो कितनी है? 4√3। सॉरी, टेट्राहेड्रन की जो हाइट है कितनी है? 4√3। तो देखो भैया, 4√2 है। टेट्राहेड्रन की हाइट कितनी है? 4√2। √2 से √2 कट जाएगा, ए बराबर आ गया 4√3। कितना गया? 4√3 सेंटीमीटर। तो टेट्राहेड्रन की अगर आपसे साइड्स पूछी जाती तो कितना आ जाता? 4√3, 4√3 आ जाता। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? लेकिन आपसे पूछ लिया टोटल सरफेस एरिया, क्या पूछ लिया आपसे? टोटल सरफेस एरिया टेट्राहेड्रन का। तो टेट्राहेड्रन का टोटल सरफेस एरिया 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। भैया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4a², क्योंकि 4 होंगे, 4 होंगे, 3 लेटरल सरफेस और एक बेस, √3a² होता है, √3a², ए स्क्वायर का मतलब 16 और 16 × 3 = 48, 48√3 सेंटीमीटर² आंसर है बी, 48 होगा, 12√3 नहीं है, 48√3, 48√3। अरे मैंने अभी समझा कि टेट्राहेड्रन में 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, हर एक की साइड ए होगी, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एरिया होता है, एक समबाहु त्रिभुज का ये एरिया ये होगा। तो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, √3, ए कितना है तुम्हारा? 4√3, 4√3² 48। जहरीला बन गए। अगला सवाल लेंगे जल्दी से, नेक्स्ट सवाल नंबर 2। बनाइए क्वेश्चन नंबर 2। जी तो जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, सबकी पीडीएफ मिलेगी। टेट्राहेड्रॉन मतलब समचतुष्फलक, जो मैंने अभी समझाया, ठीक है। और कैरियरविल ऐप पे पीडीएफ मिलेगी, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन की, वहां पे लेक्चर हमेशा के लिए अवेलेबल भी रहेगा, ठीक है। चलिए पूरे डिटेल में पढ़ना है तो कोर्स ही ले लो, लंबा पूरा पढ़ेंगे फिर वहां पे डिटेल में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन विद साइड 3√2 सेंटीमीटर। आपको उस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम बताना है जिसकी भुजा, टेट्राहेड्रन की प्रत्येक भुजा 3√2 है। तो टेट्राहेड्रन की प्रत्येक भुजा 3√2 है, अगर किसी टेट्राहेड्रन की साइड ए हो तो वॉल्यूम होता है a³/6√2। अभी मैंने प्रूफ करा, फॉर्मूला बोलो, हाँ प्रूफ करा, a³/6√2। कैरेविल ऐप से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ए जहां पे तुम पढ़ रहे हो उसके बराबर में होगा नोट्स का ऑप्शन। बिल्कुल टाइप वाइज सवाल होंगे, टाइप के साथ कोई बेईमानी नहीं। साइड कितनी दी है? 3√2। 3√2 का क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब 27 हो गया, और 2√2 का क्यूब 2√2 हो गया, बटे 6√2। √2 से √2 कट गया, और 27 × 2 = 54, और 6 × 9 = 54, 9 सेंटीमीटर³। 9 सेंटीमीटर³ वॉल्यूम हो जाएगा बी ऑप्शन 9। बताइए अनमोल समझ में आया? हाँ, मैं हैंड रिटन नोट्स आपको सारे मिलेंगे, सारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? a³/6√2। लव यू टू भैया, समझ में आया?
अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 3, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी इनमें ऐसा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 बनाइए, बहुत प्यारा सवाल है, सॉल्व करने की कोशिश करो। कोर्स कंप्लीट होगा गुड्डू भैया 2.5 से 3 महीने में एडवांस मैथ का। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन इज 18 रूट दो, देन फाइंड इट्स टीयर से। एक टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम 18 रूट दो है, उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। देखो टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम होता है ए क्यूब बाई 6√2, यही होता है वॉल्यूम। अगर टेट्राहेड्रॉन की प्रत्येक भुजा ए है, ए क्यूब बाई 6√2, और ये जो दिया है ये दिया है वॉल्यूम टेट्राहेड्रॉन का 18√2। आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो ए क्यूब कितना आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा 18 × 6 = 108, √2 × √2 = 2, 108 × 2 = 216, 216 मतलब 6³, तो साइड ए आ गई 6 सेंटीमीटर। तो अगर टेट्राहेड्रन की हाइट पूछता तो 6 सेंटीमीटर आ जाता, लेकिन आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3a² और साइड है 6, तो 6² 36√3, 36√3 cm² आंसर है सी, सी ऑप्शन आंसर है 36√3। ठीक है, पहली क्लास हुई नहीं, ये तो डेमो देख रहे हो, पढ़ा कुछ है नहीं, कोर्स तुमको अभी कंप्लीट चाहिए, कोर्स कंप्लीट है मत पढ़ो, जिस दिन से तुमने सोच लिया कोर्स कंप्लीट उसी दिन कंप्लीट, वरना ढंग से पढ़ ही लो। हाँ हरदीप, क्या हुआ समझ में आ रहा है, कल से आपके फ्रेश बैच की क्लास स्टार्ट होगी, तो डेमो है ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति से, हाँ ट्रिगो चलेगी इसके बाद। सीएचएसएल में मेंस लेवल का क्वेश्चन आता है क्या, पागल हो भाई, ऐसे थोड़ा ना होगा। अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर 4 बनाइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान सवाल है और इंपॉर्टेंट है, बनाइए। एक पिरामिड का आयतन पूछा है जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 16√3 है और इसकी तिर्यक ऊंचाई इसके ऊंचाई का 3 गुना है, तो इस पिरामिड का बताना है आपको वॉल्यूम, क्या बताना है, पिरामिड का वॉल्यूम बताना है, करिए जल्दी से, कोई पार्शलिटी नहीं है कृष्णा, बनाइए। आप मुझे बताइए किसी पिरामिड का बेसिक इक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, तो गौर से देखो पिरामिड का बेस ये हो गया, यह है पिरामिड का बेस एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है भैया वो है 16√3 cm। अब यहां पे ये बोला है कि इसकी जो स्लांट हाइट है वो हाइट का 3 गुना है, हाइट इज 3 times of its स्लांट हाइट, स्लांट हाइट इज 3 times of its height। ठीक है, तो ये हो गया इसका ग्रेविटी सेंटर, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड से मैंने परपेंडिकुलर उठाया ये तो हाइट हो गई, और यहां से एपेक्स से, एपेक्स से मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पे परपेंडिकुलर डाला स्लांट हाइट हो गई एल, और स्लांट हाइट जो हाइट का 3 गुना है 3h। क्लियर है, तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा, यही वाला राइट एंगल ट्रायंगल हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और इतनी बात पता है कि अगर मुझसे वॉल्यूम पूछा है पिरामिड का आयतन पूछा है, तो पिरामिड का आयतन केवल तभी निकलेगा जब आपके पास पिरामिड की हाइट हो, क्योंकि पिरामिड का वॉल्यूम है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, सारे आंसर आ रहे हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत है। आप मुझे एक बात बताइए कि यहां पे ये जो होगी स्लांट हाइट, ये इसको 2 पार्ट में बांट देगी बेस को, तो ये सेंट्रोइड है, तो ये क्या होती है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की इनरेडियस होती है, क्या होती है, इनरेडियस, ये जो होगी डिस्टेंस इनरेडियस होगी, इनरेडियस क्या होती है, ए बाई 2√3, समझे √3 से √3 कट गया, 16/2 = 8, तो ये 8 आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा, बताइए यहां तक कोई समस्या। हाँ भूपेश, पेपर तुम्हारा अच्छा होगा।
अरे यार थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, दिमाग है कि नहीं? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के सेंट्रोइड से इस तरीके से हमने लाइन उठाई, ये हाइट है, ये परपेंडिकुलर डाला, ये स्लांट हाइट है। थोड़ा 3D में इमेजिनेशन करना सीखो और ये हो जाएगी तुम्हारी इन रेडियस ए बाई 2√3 जो कि 8 हो जाएगी। तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस बाबा लगाओगे तो 90 डिग्री के सामने 3h का स्क्वायर 9h स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये 8h स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर, 8 से 1 कट जाएगा, h स्क्वायर बराबर 8, h की वैल्यू कितना है कि 2√2, h कितना है 2√2 सेंटीमीटर, कितना है 2√2, इतनी बात क्लियर है 2√2। अगर इस टेट्रा है सॉरी ये जो इस पिरामिड की हाइट जो है h कितना है 2√2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा इस पिरामिड का वॉल्यूम आयतन, तो वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। चलिए अब इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। अच्छा जैसे मैं आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज बनाऊं ए, तो आप सभी लोगों ने रट्टा मार रखा होगा कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए हो तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a². ये याद है आपको, ये याद है, अभी भी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट एरिया निकालने का तरीका, शिवम समझो ध्यान से, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट निकालने का तरीका देखो। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा ए है तो एरिया √3/4a², लेकिन अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 सेंटीमीटर, साइड अगर 2 हो तो एरिया कितना हो जाएगा, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट जाएगा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बात ध्यान रखना कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 के हो, कितने गुना हो गया, साइड k गुना हो गई, 2 का k गुना, तो एरिया क्या हो जाएगा, यहां पे 2 के रखो, a की जगह 2 के रखो, क्या रखोगे 2k, तो 4k स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, एरिया होगा √3k² सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, साइड 2 तो एरिया √3, साइड 2 का जितना मल्टीपल होगा एरिया में स्केलिंग फैक्टर k स्क्वायर से मल्टीप्लाई होती है √3k². अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है तो एरिया √3, साइड अगर 8 है, साइड 4 गुनी हो गई तो एरिया 4² 16√3, अगर साइड तुम्हारी कितनी है 12 मान लो, साइड 6 गुनी होगी 2 से 12, 6 गुना, तो एरिया 6² 36√3, डायरेक्ट लिख देते हैं, शॉर्टकट है, क्लियर है, बताइए। हाँ यहां तक कोई दिक्कत इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 16√3 हो, पिरामिड का वॉल्यूम 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है, थ्योरी मैंने करा दी है भैया, ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल आपको नहीं बताया कैसे करोगे दीपक, हैं? चलो तो अगर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम है 1/3 एरिया बेस, तो यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस जो है उसकी साइड 16√3 है, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो एरिया √3, यहां पे साइड है 16√3, 16√3 मतलब 2 का 8/√3 गुना, 8/√3 गुना, तो एरिया हो जाएगा 8² 64√3² 3, ये हो जाएगा एरिया, क्लियर है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट है 2√2, ये हाइट हो गई, देखो 3 से 3 कट गया, 64 दूनी 128, √3 × √2 √6, 128√6 सेंटीमीटर क्यूब आएगा इसका आंसर, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर होगा, क्लियर है, ये बताइए समझ में आया, सम्राट को पता था, दीपक पूरी थ्योरी मैंने आपको घंटे भर समझाई है, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, क्या स्लांट हाइट होते हैं, क्या हाइट होती है, क्या इनरेडियस होती है, कैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, यहां तक कोई समस्या? चलो अगला सवाल ले लो, सवाल नंबर 5, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई अपनी, क्वेश्चन नंबर 5 करना पड़ेगा जल्दी से। द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10√3, एक पिरामिड के बेस की साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड है 10√3,
टोटल सरफेस एरिया पिरामिड का 270√3, तो इसकी हाइट बतानी है, पिरामिड की हाइट बतानी है। जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। मुझे एक बात बताइए कि पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल एरिया बेस इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया TSA। टोटल सरफेस एरिया बराबर है लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस, यही है, बोलो यही है, बिल्कुल मेंस लेवल कवर है, टेंशन ना लो, ठीक है। हां अंकित, थैंक यू भाई। तो अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 10√3 हो, ये टोटल सरफेस एरिया कितना दिया क्वेश्चन में, 270√3 दिया है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, किसी भी पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, मुझे बताइए, बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 10√3 है, तो आधार का पेरीमीटर ऑफ बेस 10√3 हो जाएगा, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट स्मॉल एल, यही होता है। जो चीज आपको दियो क्वेश्चन में उस डाटा का भरपूर यूज करो, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट प्लस आधार का क्षेत्रफल। मुझे बताइए किसी पिरामिड का बेसिक एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 10√3 है, 10√3 है। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो एरिया √3, लेकिन यहां साइड 10√3 है, 2 का कितने गुना है, 2 का 5√3 गुना है, तो एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75√3। नहीं समझ में आ रहा तो आप फॉर्मूला लगा लो, 75√3 हो जाएगा बेस एरिया, 75√3 बोल दो। हाँ, यहां तक कोई बात, कोई दिक्कत आई हो किसी भी स्टूडेंट को, अच्छा सवाल है ये। अब मुझे बताइए 2 से 30 कितनी बार कट गया, 15 बार कट गया, 15 times कट चुका है, √3 √3 √3 कैंसिल आउट हो गया, तो 15L बराबर 75 उधर जाएगा, 270 में से 75 घटाओगे तो पहले 70 200 हो गया, 200 में से 5 और घटा लो 195 हो गया, तो L बराबर 195/15 कितना जाएगा, 15 × 15 = 45 = 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले स्लांट हाइट निकली है आपकी, पिरामिड की स्लांट हाइट पूछता ना तो कितना हो जाता, 13 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट निकल गई यहां से 13। यहां तक कोई दिक्कत है, सीडीएस के लिए बिल्कुल सफिशियंट है, बिल्कुल बाद में भी होगा, फरदीन बाद में भी होगा। स्लांट हाइट यहां से पिरामिड की कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर, लेकिन स्लांट हाइट नहीं पूछा, पिरामिड की ऊंचाई पूछा है, पिरामिड की हाइट पूछा है, तो स्लांट हाइट से हाइट कैसे निकालेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो बनता है, मैंने आपको बताया राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट बताया कि ये तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 10√3, तो मुझे बताइए यहां से तुम्हारा सेंट्रोइड से उठा दिया मैंने, क्लियर है, यही बनता है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, बोलो कोई दिक्कत, सही है, बात समझ में आ रही है। सो दिस क्या, ये क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी, ये स्लांट हाइट मैं निकाल चुका हूं कितना है, 13 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये इन रेडियस है, अंतःवृत्त की त्रिज्या है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या होता है, a/2√3, 10√3 का 2√3 से डिवाइड करो कितना जाएगा, 5 सेंटीमीटर, 5, तो ये लेंथ 5 है। सिमेट्रिक होता है भैया, सिमेट्रिक होती हैं चीजें। अब यहां पे 13 है, ये 5 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी हाइट पिरामिड की। हिंदी में बोलो सर जी, हम बिहार से हैं, भैया इससे ज्यादा हिंदी नहीं आती है हमको। विशाल बिल्कुल सही, हाँ 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन थोड़ा ऑब्जर्वेशन जरूरी है, अदरवाइज आपको फॉर्मूले, हर एक फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, हर एक राइट एंगल ट्रायंगल रटना पड़ेगा कि स्लांट हाइट है, ये हाइट है, ये इन रेडियस है, स्मॉल आर, बोलो सही है, यहाँ पे तुमने पाइथागोरस लगा दी तो आपका आंसर आ गया आसानी से, टोटल सर्फेस एरिया दिया था, पिरामिड का टोटल सर्फेस एरिया कैसे निकालते हैं, लेटरल सर्फेस एरिया प्लस बेस का एरिया जोड़ दो तब आएगा। हरदीप हरियाणा से, अच्छा हर आदमी अलग अलग बताने लगा, आप सवाल नंबर 6 करेंगे, ठीक है ओके, सॉल्व करिए, सॉल्व इट, ब्यूटीफुल क्वेश्चन।
कुमार आपका आंसर सही है। एक से एक फनी बच्चे हैं। द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ पिरामिड इज हाफ ऑफ इट्स स्लांट हाइट। फाइंड द लेंथ ऑफ स्लांट एज एंड वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, अरे एकदम बवाल सवाल है। सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं छोटा कर दे रहा हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक राइट पिरामिड है, एक पिरामिड है। तो सबसे पहले मैं चाहे पिरामिड बना ही देता हूं कि पिरामिड है। दिस वन इज द पिरामिड। इस पिरामिड का बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। इस समबाहु त्रिभुज की साइड 4 सेंटीमीटर है। सेंट्रोइड से एक हमने ऐसे उठा दिया, बोलो कोई दिक्कत, समस्या नहीं होनी चाहिए। और हमने इस तरीके से मिला दिया, क्लोज्ड फिगर बन गई। दिस वन इज द ब्यूटीफुल पिरामिड। बोलो बात सही है, क्लियर? नाउ इसमें बोला यह गया है क्वेश्चन में कि हाइट जो है वो स्लांट हाइट का आधा है। तो अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखूं, अगर भैया मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखूं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 4 सेंटीमीटर है। नाउ गौर से सुनना, यहां से तुम उठा रहे हो तो ये तुम्हारी हाइट हो गई, और यहां से आप परपेंडिकुलर डालते हो तो स्लांट हाइट होगी स्मॉल एल। और ये जो होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, दिस एंगल 90 डिग्री होगा। और यहां पे हाइट जो है स्लांट हाइट का आधा, यानी कि स्लांट हाइट जो है डबल है हाइट का, एल बराबर 2h हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देख रहा है ना सभी को, 2h हो गया। अब देखो सब बताने लगे, कृष्णा फ्रॉम पिंक सिटी। अच्छा भैया मेरे, अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस से मिड पॉइंट पे काट रहा है, सेंट्रोइड है, मीडियन का 1/3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a बाई 2√3, यानी कि 4/2√3, यानी कि 2/√3, 2/√3 हो जाएगा ये। अरे इनरेडियस क्या होता है? अंतःवृत्त की तरह जाए, स्मॉल r बराबर a बाई 2√3, तो 4/2√3 कितना हो जाएगा? 2/√3 हो गया। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ तो 2h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, 4h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, 3h स्क्वायर बराबर 2/√3 का स्क्वायर, यानी कि 2/√3 का स्क्वायर 4/3। तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4/9। तो h कितना आ गया? 2/3। तो h यहां पर 2/3 सेंटीमीटर आ चुका है। ये आ गई हाइट 2/3 सेंटीमीटर। कितना चुका है? 2/3 सेंटीमीटर हाइट आ चुकी है 2/3। अगर आपसे हाइट पूछी होती तो ये आंसर हो जाता। क्लियर है? हाइट पूछी जाती तो 2/3 सेंटीमीटर आंसर हो जाता। आपसे स्लांट हाइट पूछी तो स्लांट हाइट 2×4/3 सेंटीमीटर आंसर हो जाता। लेकिन आपसे पूछे स्लांट एज, क्या पूछे? स्लांट एज पूछी है इस पिरामिड की, स्लांट एज। अब मुझे बताइए, स्लांट एज निकालने के दो तरीके हैं। यहां पे ये जो लेंथ है यही स्लांट एज है। अरे बोल दो, यही स्लांट एज है स्मॉल ई, और ये हाइट है स्मॉल एच। तो मैंने आपको बताया है ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, यहां से इसको मिला दो किनारों को, ये 90 डिग्री दिखेगा। ये 90 डिग्री दिखेगा कि नहीं? मैंने आपको बताया है, अरे बताया कि नहीं बोलो? हाँ, ये प्रूफ करके भी दिखाया था मैंने। ये तो हो जाएगी हाइट कितनी? 2/3, और इस स्लांट एज ई। और ये बता दो बेटा, ये क्या डिस्टेंस है? ये क्या है? यह सरकम रेडियस परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, सरकम रेडियस परिवृत्त की त्रिज्या। अगर साइड 4 है तो इन सरकम रेडियस होगी 4/√3, 4/√3। तो ये 4/√3 है। क्लियर है? तो स्लांट एज ई कितना हो जाएगा? अंडर रूट ले लो, 2/√3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर 4/9, 4/√3 का स्क्वायर 4/3। बोलो सही है? ठीक है, तो 9 आ जाएगा, 4+3 = 9, 3 + 9 और 3 × 4 = 12, 12 × 4 = 16/9, 16/9 का अंडर रूट 4/3 कैसे आ रहा है? अच्छा, 4/√3 का स्क्वायर आएगा, सॉरी 4/√3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर 4/9, 4/√3 का स्क्वायर 16/3, तो 9 आ गया, 4 × 3 = 9, 16 × 3 = 48, 48 × 4 = 52/9, 52/9, 52×13 = 52, तो 2 आ गया √13, और 9 का √3 आ गया, तो 2√13/3 सेंटीमीटर,
2√13/3 cm यहां पे दिख रहा है ये स्लांट एज 2√13/3। बोलो हां, हां अंकित अच्छे लड़के हो तुम, 16 होगा ठीक है, सभी को समझ में आया। 2√13/3 ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके पल्ले पड़ा, ये हाइट एच है, ये सरकम रेडियस कैपिटल आर है, स्लांट एज ई है। अपनी मर्जी से जो चीज जहां पे आपको सुविधा लगे वो निकाल लीजिए। हाइट 2/3 है, सरकम रेडियस 4/√3 है, स्लांट एज ई है, पाइथागोरस लगाया, आंसर आ गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कल से 0 से स्टार्ट होगी, ये तो मेंस्ट्रुएशन का लास्ट लेक्चर था। समझ में आए यहां तक? अगर आप इस ट्रायंगल के थ्रू नहीं जाना चाहते तो ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ। अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस पिरामिड को ऐसे खोल दूंगा, तो यही बनेगा ना पिक्चर, तो यही बन जाएगी, खोल दोगे तो यही पिक्चर बन जाएगी। कहां खोल दें, यहां खोल देते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पिरामिड को खोल दूं तो देखो ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहां पे जब आप इसको खोल दोगे तो इस तरीके से भी तो बन जाता है पिरामिड, ये बन जाता है। और मैंने आपको बताया है कि बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 4 है, तो यही स्लांट एज है ई, और यहां से तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो ये स्लांट हाइट हो जाती है स्मॉल एल, स्लांट हाइट स्मॉल एल, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्लांट हाइट स्मॉल एल 4/3 है, और ये आधा आधा बांट देगा, आइसोसेलस ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 4 है, तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, बोल दो कितना हो जाएगा 2। यहां तक बात समझ में आ रही है? 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2, 4/3 और ये 2, तो स्लांट एज कितना हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर 16/9, 2 का स्क्वायर 4, 9 + 36 + 16, ये भी सेम चीज आएगी, यहां से 52/9 सेम आंसर आएगा, 2√13/3। बताइए यहां तक समझ में आया? ये तीन राइट एंगल ट्रायंगल जिसके पल्ले पड़ गए ना, आप देखो इस सवाल में मैंने तीनों राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके दिखाया, हाइट इन रेडियस स्लांट हाइट, हाइट सरकम रेडियस स्लांट एज, स्लांट एज स्लांट हाइट, और ये साइड का आधा। बताइए कर लोगे? अब मुझे एक बात बताओ भैया, नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट कर करके देखना, तभी पल्ले पड़ेगा तुम्हारे, स्लो हो अभी। आपसे यहां पे पूछा है पिरामिड का वॉल्यूम, पिरामिड का वॉल्यूम भी अगर पूछा होता तो पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। मुझे बताइए अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो एरिया √3, साइड 4 है तो एरिया 4√3, और हाइट कितनी है इस पिरामिड की, मैंने हाइट निकाली 2/3, तो 4 × 2 = 8, 8√3, 8√3/3 = 9, 8√3/9 cm³ आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, 8√3/9 फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सही है, क्लियर है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? चलिए अगला, जो सीक्वेंस प्रशांत, अच्छा यहां पे सीक्वेंस पिरामिड आयतन और त्रिक भुजा, अच्छा आयतन की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होती है, त्रिक भुजा की सेंटीमीटर होती है, तो वो तो आप समझ जाओगे, समझदार हो आप। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं, बनाइए, देखिए क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी देखो एक ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले पिरामिड विद ट्रायंगुलर बेस, पेपर में सबसे ज्यादा सवाल इसी पर आते हैं जिसका बेसिक ट्रायंगल होता है, और वो भी कैसा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। खत्म तो हो जाना चाहिए, बनाओ जल्दी से सवालों को, है? A pyramid stands on an equilateral triangular base of area 16√3. If the area of its lateral faces is 40 cm², find the volume of the pyramid. देखिए कितना आसान सा सवाल है। एक pyramid का basic equilateral triangle है जिसका area 16√3 है। मुझे एक बात बताइए,
मुझे एक बात बताइए कि पिरामिड का बेसिक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल 16√3 दिया है। अगर एरिया 16√3 दिया है, रूट तीन का 16 गुना है, 16 मतलब 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 2 का 4 गुना, साइड होगी 8 सेंटीमीटर। वर्बली निकालना सीखो बेटा, साइड हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी साइड। 30 बुद्धि लगाइए, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 16√3 है तो चाहे फॉर्मूले से लगा लो चाहे डायरेक्ट दे लो, रूट थ्री का 16 गुना, 16 मतलब 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब हो रहा है 2 का 4 गुना रहा होगा, साइड होगी 8 सेंटीमीटर। अब साइड 8 सेंटीमीटर हो गई, लेटरल सरफेस एरिया 40 सेंटीमीटर दिया। देखो यहां से तुम परपेंडिकुलर उठाओगे और यहां से जब तुम ये डालोगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ये तो हो जाएगी इस पिरामिड की हाइट और ये हो जाएगी स्लांट हाइट। तो लेटरल सरफेस, लेटरल फेसिस का एरिया, इफ द एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लेटरल फेस, यहां पे देखो वर्ड कितना क्लियर दिया है, एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लेटरल फेस, एक लेटरल फेस का एरिया 40√3 है, एक लेटरल फेस का, अगर एक लेटरल फेस का एरिया 40√3 है तो एक लेटरल फेस कैसा होगा। अगर मैं इसको खोल दूंगा, इस पिरामिड को अगर मैं खोल दूं तो इस तरीके से खोलेगा, इस तरीके से खुलेगा पिरामिड, तो ये है एक लेटरल फेस, इसका एरिया 40 दिया है। मुझे एक बात बताइए कि इस बेस की साइड कितनी है, 8, यहां से हाइट कितनी है, स्लांट हाइट L, तो स्लांट हाइट क्या हो जाएगी, एक बेस का एरिया 1/2 8 × L = 40, 8 × 5 = 40, L बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो स्लांट हाइट आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, 10 कितनी आ गई, 10 आ गई। क्लियर, बताइए स्लांट हाइट 10 आ गई, कर लोगे 20 नहीं भैया 10 आएगी, ठीक है। तो एक लिटल सरफेस का एरिया दिया था आपको 40, तो स्लांट हाइट आ चुकी है आपकी 10, तो भैया ये 10 है, ये हाइट, ये साइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की 8 है, तो ये इन रेडियस 8/2√3 कितनी हो जाएगी, 4/√3 हो जाएगी, 4/√3 हो जाएगी इन रेडियस। दिमाग लगाइए, थोड़ी बुद्धि लगाइए, 3D में करना है, समझ में आया, ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि मुझे निकालना है इस पिरामिड का आयतन, आयतन निकालने के लिए पिरामिड की हाइट चाहिए ही चाहिए, तो पिरामिड की हाइट क्या हो जाएगी पाइथागोरस से, हाइट हो जाएगी √10 का स्क्वायर 100 और 4√3 का स्क्वायर 16/3, 16/3, तो 300 - 16 कितना हो जाएगा, √284/3, कितना हो जाएगा, √284/3, 284/√3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी हाइट। इतनी बात समझ पा रहे हो आप लोग, इतनी बात समझ पा रहे हो, क्लियर है। ये 8, एक देखो ट्रायंगलर बेस का एरिया 16√3 दिया था, तो ये साइड 8 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, बताइए, और यहां पे 8 है तो ये रेडियस 4√3 हो गई, एक लेटरल सरफेस का एरिया 40 है तो स्लांट हाइट 10 होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आया, हाइट निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम से। वैसे आंसर यहीं से पता लग चुका है, √284 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। आपसे पूछा है पिरामिड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना है 16√3, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है √284/√3, √3 से √3 कट जाएगा, क्या गया आंसर 16√284/3, फर्स्ट ऑप्शन आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। आकाश को अच्छा लग रहा है, ऑप्शन ए आंसर है, कर लोगे, वेरी इजी, आसान है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला सवाल, अभी हम एक पिरामिड पढ़ रहे हैं विद जिसका बेस क्या है, ओनली एंड ओनली आपका एक ट्रायंगल है। अब हम आ चुके हैं स्क्वायर बेस में, पिरामिड का बेस एक स्क्वायर है, और ये जो सवाल है ये तुम्हारे मेंस एग्जाम का पूछा हुआ है, क्या है, मेंस एग्जाम का पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, ए पिरामिड विद स्क्वायर बेस, ए पिरामिड विद स्क्वायर बेस, एक पिरामिड जिसका बेस एक वर्ग है एक स्क्वायर है, ए पिरामिड विद स्क्वायर बेस। तो अगर मैं आपके सामने एक स्क्वायर बनाऊं कुछ इस तरीके से, ठीक है,
और यहां से ये बना दिया मैंने पिरामिड, इस स्क्वायर के ऊपर मैंने बना दिया पिरामिड कुछ इस तरीके से, तो ये बन चुका है आपका पिरामिड, बोलो हाँ। सो ये बना हुआ है एक पिरामिड जिसका बेस एक स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर की जो साइड है ये मैंने मान ली स्मॉल ए, क्या है स्मॉल ए मान ली स्क्वायर की साइड, तो ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है, बोलो यहां तक बात क्लियर है। अगर मैं इस पिरामिड को खोल दूं तो मुझे बताइए पिरामिड को खोलने पर क्या होगा, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर है और यहां पे ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस, टोटल कितने सरफेस होंगे, टोटल होंगे इसमें पांच सरफेस, पांच सरफेस, ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, बोलो हां, टोटल पांच सरफेस होंगे। और यहां पे मुझे एक बात बताना कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है एक, ये दो और ये तीन और ये चार, ये जो चार सरफेस है भैया ये क्या है, पिरामिड के लेटरल सरफेस, आधार तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया नहीं लेते, तो यहां पे ये हो जाएगा तुम्हारा पिरामिड के लेटरल सरफेस चार होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी स्टूडेंट को। तो यहां से जब आप इसे परपेंड, ये सब पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये है पिरामिड का एपेक्स, आप जब इस चोंच को बंद कर दोगे तो चारों पॉइंट कॉमन हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, इस तरीके से एपेक्स बन जाएगा, बोलो बन जाएगा। और इस एपेक्स से जब तुम यहां पे परपेंडिकुलर डालते हो तो ये होती है स्लांट हाइट स्मॉल एल, यहां से जब तुम परपेंडिकुलर डालते हो स्लांट हाइट स्मॉल एल, यहां से परपेंडिकुलर डालते हो स्लांट हाइट स्मॉल एल, यहां से परपेंडिकुलर डालते हो स्लांट हाइट स्मॉल एल, क्लियर है। तो अगर मैं इस पिरामिड के लिटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो लिटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखो इस ट्रायंगल का एरिया, इन चारों ट्रायंगल का एरिया, ये बेस ए है और उसके ऊपर हाइट एल है 1/2 AL, और ऐसे कितने ट्रायंगल है चार, तो चार से मल्टीप्लाई कर दोगे, बोलो कोई दिक्कत है, बराबर 1/2, देखो ए इंटू चार को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4A × L, तो यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या बन गया 4A, एक दो तीन चार, चार सरफेस है तो 4A मतलब आधार का परिमाप पेरीमीटर, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, ये होता है किसी स्क्वायर बेस पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया, 1/2 आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, क्लियर है। अगर मैं इसी में बेस का एरिया स्क्वायर का एरिया जोड़ दूं लिटरल सरफेस एरिया में तो आपका बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, कोई समस्या इसमें। अब हम बात करते हैं इस पिरामिड की हाइट की, तो एपेक्स से जब तुम यहां पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये हो गई पिरामिड की हाइट स्मॉल एच, क्या है, पिरामिड की हाइट स्मॉल एच, क्लियर है, कोई दिक्कत, ये हाइट होगी। एपेक्स से जब तुम स्क्वायर के बेस पर यहां पे भुजा पे परपेंडिकुलर डालते हो 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री ट्रायंगल है, ये हो जाएगी तुम्हारी स्लांट हाइट स्मॉल एल त्रियक ऊंचाई, क्या हो जाएगा, ये स्लांट हाइट हो जाएगी स्मॉल एल त्रियक ऊंचाई, बोलो सही बात है, सही बात है। और अगर तुम देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये हो जाएगी एपेक्स से स्क्वायर के कोनों की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये होती है स्लांट एज त्रियक किनारा स्मॉल ई, स्लांट एज स्मॉल ई, ठीक है, क्लियर है। और अब हम इन्हीं में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, गौर से सुनना सभी लोग, गौर से सुनना, अभी हम इसी में ही रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, चलो कौन सा फिगर ऐड कर दें, ये वाला ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया, एक और ऐड कर देते हैं हम, ये वाला, ठीक है, एक और ऐड कर देते हैं हम ये वाला, चलिए यहां पे दिख रहा है।
आप मुझे बताइए, पिरामिड दिख रहा है जिसका बेस एक स्क्वायर है? बोलो हाँ दिख रहा है, जिसका बेस क्या है, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। क्लियर दिख रहा है, यस और नो? ये एपेक्स है। अब इस स्क्वायर की जो साइड है ये स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए होगा, ये बेस जो है इसकी साइड जो है स्मॉल ए। अब यहां पे देखो ये डायगोनल बन गया, स्क्वायर के डायगोनल की लंबाई ए रूट दो, ये डायगोनल बन गया, ये भी ए रूट दो, दोनों डायगोनल बराबर होंगे और दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट यही ग्रेविटी सेंटर है, यही ग्रेविटी सेंटर है, बताइए यही ग्रेविटी सेंटर है, सेंट्रोइड है। तो यहां सेंट्रोइड से हमने एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दी और यहीं पर हमने एपेक्स लिया था। सो दिस इज द ग्रेविटी सेंटर, बताइए यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो यहां पर? क्लियर है? तो ये तो हुई है इस पिरामिड की हाइट स्मॉल h, तो दिस वन इज हाइट स्मॉल h। कर लोगे, सभी को दिखाई दे रहा हाइट स्मॉल h, सही है? ये सही है? सूर्या आप मुझे बताइए कि स्क्वायर की साइड क्या है, स्मॉल a है, क्या है स्मॉल a, ये क्या है स्मॉल a। अब मैं एक बात देखना चाहता हूं, मैं रिलेशन आपको तीनों ही बताऊंगा, ये क्या है मुझे बताइए, ये क्या है, ये पिरामिड की स्लांट एज है, तिर्यक किनारा है स्मॉल ई, क्या है ये स्लांट एज है स्मॉल ई, ठीक है बताइए, यहां तक है स्लांट एज है स्मॉल ई। आप मुझे बताइए ये क्या था, ये इस स्क्वायर का डायगोनल, एक स्क्वायर का विकर्ण था, तो स्क्वायर का डायगोनल को जब तुम यहां से आधा पार्ट मिलाओगे तो क्या आपको एक 90 डिग्री ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको? भैया मेरे एक 90 डिग्री ट्रायंगल दिखाई दे रहा है स्पेस में? बोलो हाँ, बोल दो, क्या दिख रहा है 90 डिग्री ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? मुझे बताइए स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, ए रूट दो होता है, अगर भुजा ए है तो पूरा डायगोनल ए रूट दो है, ये डायगोनल आधा आधा हो जाएगा क्योंकि सेंट्रोइड है, तो ये जो डिस्टेंस है ए रूट दो का आधा होगी, ए रूट दो का आधा कितना हो जाएगा, ए बाय रूट टू, कितना ए बाय रूट टू, तो ये जो लेंथ होगी भैया मेरे ये ए बाय रूट दो होगी, कितनी हो जाएगी ए बाय रूट दो, बताओ यहां तक कोई समस्या, ए बाय रूट टू, कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ए बाय रूट टू, आकाश भाई थैंक यू, ए बाय रूट टू, समझ में आया? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या यहां तक, ए बाय रूट टू, यस और नो करके बताओ, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं तुम्हारे? तो अगर मैं इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग स्लांट एज ई की अगर लंबाई निकालनी हो तो ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए बाय रूट टू का स्क्वायर, और ये आपका रिजल्ट बनता है। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, सौरभ को समझ में आ रहा है, विष्णु को भी? ई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर, नो समस्या? कर लोगे? मनाओ, पल्ले पड़ रहा है अमित को। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया ना। अब दूसरा देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इस वाली 3D फिगर को ले लेते हैं, इस वाली 3D फिगर को, ये वाली 3D फिगर ले लेते हैं, गौर से देखिए, दिख रहा है एक पिरामिड दिख रहा है विद स्क्वायर बेस, और स्क्वायर की जो साइड है वो स्मॉल ए है, स्क्वायर की जो साइड है बेटा ये स्मॉल ए है, तो दिस इज स्मॉल ए, ये स्मॉल ए हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब यहां पे डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे ये मिल रहे हैं, ग्रेविटी सेंटर है, और ये होगी तुम्हारी हाइट, तीर तो दिख रहा है सभी को, तीर तो दिख ही रहा है, ये हाइट होगी स्मॉल h, हाइट है, सॉरी हाइट जो है वो है आपकी स्मॉल h, दिस वन इज स्मॉल h, और ये स्लांट हाइट है। एपेक्स से इस स्क्वायर के किसी साइड के ऐसे यहां पर परपेंडिकुलर डाल लो, एक्चुअली यहां पर 90 डिग्री के एंगल पे मिल रही साइड से, ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी स्लांट लेंथ या स्लांट हाइट स्मॉल एल, स्लांट हाइट स्मॉल एल, ठीक है, बताइए यहां तक किसी भैया को कोई समस्या? तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहां पे नीचे ग्राउंड लेवल पे इन दोनों पॉइंट को मिला दूंगा तो क्या ये 90 डिग्री ट्रायंगल आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा? 90 डिग्री ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं? दिखा है नहीं, 90 डिग्री ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा?
देखो ये अलग चीज है, यहाँ स्लांट एज हाइट और इसमें बता रहे हैं रिलेशन, यहाँ इस चीज को। अब मैं बता रहा हूं स्लांट हाइट कि स्लांट हाइट जब कैसे निकालोगे, जब आपको हाइट दी हो, ये हाइट है, ये स्लांट लेंथ है। मुझे बताइए स्क्वायर की साइड ए है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये देखो इसके पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है। अगर ये ए है तो ये भी ए ही होना चाहिए, पैरेलल लाइन है, तो ये आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ए बाई टू, और वो भी आधा ए बाई टू, तो ये ए बाई टू जाएगा, ये ए बाई टू और वो भी उधर ए बाई टू। ठीक है, समझ में आया ये कंसेप्ट, बोल दो ए बाई टू। तो यहां पे जब तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एच स्क्वायर प्लस ए बाई टू का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, स्लांट हाइट एल स्क्वायर के। दिस इज द रिजल्ट, ये बनता है रिजल्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात, समझ में आई है कंसेप्ट। ठीक है, दो कंसेप्ट समझ में आ गए, समझ में आ गया। ठीक है, नाउ थर्ड कंसेप्ट भी समझ लो। मैंने आपको बताया था तीन राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं और उनमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है हमेशा सरफेस पे। जैसे तुम्हारे एक पिरामिड है जिसका बेसिक स्क्वायर है, ये स्लांट हाइट है, ये स्लांट एज है, ठीक है, ये हाइट है, तो मैंने इसको जब खोल दिया तो इस तरीके से बन गया। ये क्या है, यही स्लांट एज है ई, यही स्लांट एज है ई, बोलो कोई दिक्कत है। किसी भी सरफेस को पकड़ लो, ये परपेंडिकुलर डाल लो तो आधा आधा हो जा रहा है, ए बाई टू ए बाई टू क्या हो जा रहा है, ए बाई टू ए बाई टू हो जा रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा लेटरल सरफेस पे बनेगा। नहीं भाई, पाई परसेंट तुम रो क्यों रहे हो, ठीक है, समझ में है कि नहीं, यहां पे बनेगा लेटरल सरफेस पे। अब आप इसको गंदी नजरों से इसको पकड़ लो, ये क्या है एल, ये क्या है ए बाई टू, ये क्या है स्लांट एच ई, तो ई स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर। मतलब किसी भी स्क्वायर बेस पिरामिड के एक लेटरल सरफेस को पकड़कर भी आप एक रिलेशन निकाल सकते हो। तो तीन रिलेशन बनते हैं आपके कुछ इस तरीके से, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और एक ये आपका तीसरा हो गया। सही बात है, कर पाओगे, कर लोगे ना, क्लियर है। तो अगर ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन मुझे बताइए कौन कितना जल्दी बना लेगा। अब अगर आपको एक कंसेप्ट पता है तो आपको विद इन सेकंड में सवाल हो जाना चाहिए। एक पिरामिड का बेसिक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 8 है, पिरामिड की हाइट 16 है, तो पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो कितना आसान सवाल है अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। तो सबसे पहले बना लो तुम एक पिरामिड। देखो पिरामिड का सवाल अगर पेपर में आए तो अगर आप बहुत तगड़े हो तो बिना डायग्राम के भी काम चल जाएगा, लेकिन ठीक ठाक हो तो क्या करो, डायग्राम बना लो, आसानी रहेगी। तो ये बना लिया मैंने एक पिरामिड जिसका बेसिक स्क्वायर एक वर्ग है और इसके स्क्वायर की जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ये स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर होगी, 8 यही है, ऐसे बन पाएंगे हम तो। क्लियर है, बहुत बढ़िया है, फिगर सॉल्व करके करने वाला, थैंक यू भैया। और पिरामिड की हाइट 16 है तो ग्रेविटी सेंटर है ये, यहां से तुम इसको ये मिला दे रहे हो तो ये हाइट होगी पिरामिड की, एंड दिस हाइट इज नथिंग बट 16 सेंटीमीटर। बताइए आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया तो लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, तो लिटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा आपको। लिटरल सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए, स्लांट हाइट, त्रियक ऊंचाई। तो त्रियक ऊंचाई कैसे निकलेगी, तो मैंने बताया है ये एपेक्स है, एपेक्स से यहां पर तुम बेस पर परपेंडिकुलर डालते हो तो ये होती है स्लांट हाइट स्मॉल एल। क्लियर है, और ये इन दोनों को पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90, बना 90, बोलो हाँ कोई दिक्कत। और अभी मैंने समझाया कि अगर ये 8 सेंटीमीटर है, हाइट 16 दी, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो देखो ये पैरेलल लाइन है, ये भी 8 ही होगी, तो ये आधा आधा हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, तो मैं भैया आपको जो समझाना चाह रहा था यहां पे, जो मैंने जो ट्रायंगल यूज कर लिया वो यूज कर लिया, ये वाला ट्रायंगल मैंने यूज कर लिया, हाइट स्लांट हाइट और स्क्वायर की साइड का आधा। दिखा सभी को, क्लियर, इतना बढ़िया डायग्राम तो पेपर में बना नहीं पाओगे, तो अपना गरीबों वाला डायग्राम जो है वही काम आएगा, ये वाला, बात समझ में आई। ठीक है,
तो अगर ये 16 है ये 4 है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या एल नहीं आ जाएगा? देखो 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 4 हो गया, और 1 और 4 का रूट रूट 17 हो गया, तो 4 रूट 17 सेंटीमीटर शॉर्टकट हो गया डायरेक्टली, 4 रूट 17 आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से स्लांट हाइट। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, 1/2 आधार का परिमाप, 8 8 8 कितना हो गया 32, इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितना? 4 रूट 17 प्लस प्लस एरिया बेस, बेस का एरिया स्क्वायर है, बेस बेस है अगर स्क्वायर, स्क्वायर की साइड 8 तो स्क्वायर का एरिया 64 64 ऐड कर दो, 2 से 4 2 बार, 32 दूनी 64 64 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा रूट 17 प्लस 1, 64 इंटू रूट 17 प्लस 1 फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा इस सवाल का फर्स्ट। बताइए पाई परसेंट को समझ में आ गया था? है भाई क्लियर है? कोई समस्या इस सवाल में? एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, स्क्वायर वाला भी आपको समझा ही देते हैं क्योंकि टफ सवाल नहीं आता है, पेपर में आसान ही सवाल आता है, लेंगे क्वेश्चन को। हाइट ऑफ पिरामिड 6, पिरामिड की हाइट 6 है, पिरामिड का बेसिक स्क्वायर है जिसका डायगोनल रूट 1152 है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। ये आसान सवाल है, इसको खुद करना, इसमें कोई फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 10 नंबर, इसको बनाइए, क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करिए। बताइए इस क्वेश्चन को, द बेस ऑफ ए पिरामिड इज स्क्वायर हुज एरिया 324, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 1296, लेटरल सरफेस एरिया बताना है। अब यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, पिरामिड के बेस जो है स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का एरिया 324, तो पिरामिड कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पिरामिड जिसका बेस एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, और इस स्क्वायर बेस वाले पिरामिड का जो एरिया 324 है, अगर एरिया 324 है तो स्क्वायर की साइड 18 सेंटीमीटर होगी, 18 का स्क्वायर 324 होता है तो साइड आ गई 18, वॉल्यूम है 1296। अगर देखो पिरामिड के वॉल्यूम की बात करो तो पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस 324 इंटू हाइट एच बराबर 1296, ये होता है, क्लियर है? ये कितनी बार चला जाएगा? 108 बार चला जाएगा, 108 से 12 बार चला जाएगा, तो पिरामिड की जो हाइट आ गई यहां से 12 सेंटीमीटर आ चुकी है, बोल दो हाँ। तो पिरामिड की ये जो हाइट है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 12 सेंटीमीटर आ गई, ये हाइट कितनी आ गई है, थोड़ा सा सही खींच लेते हैं, ये हो जाएगी पिरामिड की हाइट जो कि 12 सेंटीमीटर है, दिस वन इज 12। आपसे पूछा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको यहां से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा और ये स्लांट हाइट हो जाएगी, स्लांट हाइट स्मॉल एल, ठीक है? अगर ये 18 है तो यहां से तुम मुझे बताना, यहां से तुम मुझे बताना कि ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये कितना होगा 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, 18 का आधा ये भी 9 हाफ हाफ हो जाएगा, बोल दो हाँ। अगर ये 12 है ये 9 है तो पाइथागोरस थ्योरम से पा रहे हैं स्लांट हाइट कितनी आ गई 15 आ गई, बोलो 15 आ गई, क्लियर? अगर 15 आ गई तो मुझे एक बात बता दो, यहां पे एलएसए लेटरल सरफेस एरिया 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर 18 18 18 18 72 हो गया इंटू स्लांट हाइट 15 हो गया, तो 36 36 इंटू 15 540 आ जाएगा आंसर, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ए आ रहा है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस 1/2 18 4 72 15 15 96 90 15 45 540 आएगा ना, 540, 1080 नहीं होगा आंसर, 1/2 भी तो करना है, कर लोगे? ठीक है, अरे समझ में आया तुम्हें? ठीक है, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है? चलो भैया हाँ, तो देखिए जो बहुत सारे स्टूडेंट जो हमसे नए जुड़े हैं वो कैरेविल ऐप को डाउनलोड कर ले, है ना,
और जो हमारा मैथ्स स्पेशल का जो बैच है एडवांस मैच का, वो स्टार्ट हो चुका है। उसके रजिस्ट्रेशन अभी भी है, वो बहुत ज़्यादा बच्चे हम नहीं ले सकते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन एक दो दिन में क्लोज हो जाएंगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आपके बड़े भाई, आपके रिश्तेदार, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, तो इनको ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है। मैथ्स स्पेशल जो बच्चे मैथ्स स्पेशल की डिमांड कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्लस एडवांस कंप्लीट प्री प्लस मीन्स, वो जो बैच है वो इस महीने में जरूर आएगा, जल्दी ही वो बैच आएगा। तो जो स्टूडेंट पूरा मैथ लेना चाहते हैं उनके लिए भी वो बैच होगा। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये डेमो क्लास थी, जो स्टूडेंट हमसे नए जुड़े हैं, कल ट्रिग्नोमेट्री के साथ हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए भैया, ध्यान रखेंगे अपना। जिन बच्चों का मेंस का एग्जाम होना है वो तो आग लगा देना कल, टेक केयर, बाय। ओके भाई, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो शाम के 4 बज रहे हैं और 4 बजे एक्स्ट्रा क्लास और स्पेशल क्लास लगाई है आप लोगों के लिए। और इसका रीज़न ये है कि हम लोग ज्योमेट्री पूरा पढ़ चुके हैं और मेंसुरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन में 3D, थ्री डायमेंशनल फिगर, और थ्री डायमेंशनल फिगर में हम सबसे लास्ट जो है अपना जो है वो पिरामिड डिस्कस कर रहे हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, हेमीस्फेयर, कोन, उनकी कटिंग, उनके जो भी सवाल हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हम लोग सारे डिस्कस कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम पिरामिड वाले जो सवाल है वो कर रहे हैं, ठीक है भैया। हाँ, और मेंस का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। मेंस का एग्ज़ाम लास्ट ईयर के कंपेरिजन में बहुत ईजी आया है। और कल की अगर आपने पिरामिड की क्लास करी होगी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि केवल कल की 2 घंटे की क्लास से पिरामिड से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मेंसुरेशन से 14 सवाल आए आज के पेपर में। मेंसुरेशन 100 में से 14 सवाल केवल मेंसुरेशन से आए। हालांकि कटिंग वाले सवाल नहीं आए, लेकिन फिर भी मेंसुरेशन से 14 सवाल आए, वो भी ईजी क्वेश्चन आए। और उसमें से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली केवल और केवल कल की क्लास के थे, पिरामिड वाली क्लास है। तो अगर कल के राइट एंगल ट्रायंगल बनाना आप सीख गए, स्लांट हाइट स्लांट हेड सीख गए, तो आप वो क्वेश्चन बना सकते थे इजीली। प्रिज्म जो मैं आपको काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा चुका हूँ, उससे भी 2 सवाल आए। तो प्रिज्म पिरामिड का जो वेटेज है वो दिन पे दिन एग्जाम में बढ़ता जा रहा है, आसान पेपर आता है। तो देखिए, पेपर जो है टफ नहीं आता है बिल्कुल भी, सारा समय होता है खेल का, ठीक है। सारा समय जो होता है वो खेल उसका होता है जल्दी करने का। जो जितना स्टूडेंट जल्दी क्वेश्चन करेगा वो उतना ही फायदे में रहेगा। तो आपको अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना है। लेवल नॉर्मली रहेगा, जितना मैं करा रहा हूँ ये आपके एग्जाम से अबव ही है थोड़ा सा, जिससे कि लेवल बढ़ता भी है तो आप उनको कर पाओ सवालों को। बहुत ईजी था पेपर। चलिए, तो पिरामिड में हम आपको कल थ्योरी बता चुके थे और ये जो सवाल हैं, कुछ सवाल बाकी रह गए थे, मैं क्वेश्चन आपके डलवा चुका हूँ। 21 क्वेश्चन है पिरामिड में और जिसमें से 10 सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। सवाल नंबर 11 को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक पिरामिड का जो वॉल्यूम है उसका बेस स्क्वायर है कितना है, 200 cm³ है। पिरामिड की हाइट 13 cm है। What will be the length of edges? Edges की length बताइए pyramid की। Distance between apex and any other vertex. Apex और vertex के बीच की दूरी apex होती है। Rounded to nearest integer. Approximately बतानी है nearest integer, ठीक है। तो एक बात मुझे बताइए कि जैसे तुम्हारा pyramid का base एक square है, जल्दी से सवालों को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि question आसान है और concept आपको मैं बता ही चुका हूँ इन सब सवालों का। सो दिस इज ए पिरामिड विद स्क्वायर बेस, बोलो हाँ यस और नो, ठीक है। अब यहां पे इस पिरामिड का वॉल्यूम 200 cm³ दिया है, हाइट 13 दिए। अगर सपोज स्क्वायर की साइड ए है तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 1/3 एरिया बेस, बेस का स्क्वायर ए स्क्वायर, और हाइट कितनी है h, h कितना है 13, और बराबर कितना हो गया 200 हो गया 200। तो ए स्क्वायर 200 × 600/13 आ गया, ए स्क्वायर 600/13 आ गया, क्लियर। यहाँ से साइड भी आ जाएगी √600/13। बताइए, टाइम चेंज नहीं हुआ है या एक्स्ट्रा क्लास आपकी लगी है? आपसे पूछा है स्लांट एज, क्या पूछा है आपसे, स्लांट एज पूछा है। स्लांट एज मतलब एपेक्स, और एपेक्स से स्क्वायर के इस वर्टेक्स की इस कॉर्नर की जो डिस्टेंस है, ग्रीन ग्रीन डिस्टेंस, ये पूछी है। और इसका शॉर्टकट भैया मेरे सभी को पता है कि आप यहां से जब ये परपेंडिकुलर डालोगे तो ये तो हाइट होगी 13 cm, ये हाइट 13 cm, और यहां पे ये डायगोनल की आधी लेंथ होगी और ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री ट्रायंगल आपको यहां पे स्पेस में ये बनता हुआ दिखाई देगा, बोलो हाँ दिख रहा है। और ये स्लांट एज है ई।
तो ये कितना होगा, ये जो होगा ये स्क्वायर के डायगोनल का आधा होगा, यानी कि ये ए रूट टू का आधा ए बाई रूट टू होगा, और स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल ए रूट टू का आधा ए बाई रूट टू। तो ये स्लांट एज ई स्क्वायर होगा, ये क्या होगा 13 का स्क्वायर प्लस ए बाई रूट टू का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बटे दो, यही बात जाएगी ना, ए बाई रूट टू का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बटे दो। क्लियर है, बताइए समझ में आया कि नहीं। अच्छा ए स्क्वायर का मतलब 600 बटा 13, 13 का स्क्वायर 169, और 600 बटा 13 रखोगे तो 600 का आधा 300 बटा 13 हो जाएगा, 300 बाई 13। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 169 प्लस, अच्छा 300 बटा 13 यानी कि 13 दूनी 26, 4 जीरो 13 39 लगभग अप्रोक्सीमेटली, तो 169 प्लस 23 कितना होगा 192, 192। तो स्लांट एज का जो स्क्वायर है वो कितना आया है 192 आया है, 192 आया है, कितना आया है 192 आया है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है, रिवीजन बिल्कुल, देखो रिवीजन के लिए काफी समय होता है आपके पास, समय को बचाना सीखे आप लोग। तो अगर स्लांट एज का स्क्वायर 192 है तो स्लांट एज की जो लंबाई होगी, देखो 192 के आसपास होता है 196, 196, तो 196 का अंडरूट अप्रोक्सीमेटली 14 सेंटीमीटर के आसपास आएगी स्लांट एज, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगी 14 सेंटीमीटर के आसपास आएगी, 14 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, 14। क्लियर है, अगर आप इस सवाल को ऑप्शन से बनाते, मुझे पता है कि पिरामिड की हाइट अगर 13 है, हाइट अगर 13 है तो जाहिर सी बात है स्लांट एज 13 से तो बड़ी ही होगी, स्लांट एज 13 से तो बड़ी ही होगी, यानी कि ना तो 12 ऑप्शन था सही ना 13 था, तो दो ऑप्शन आप हटा सकते थे देखते ही, और तुक्का मारते तो शायद सही भी हो जाता। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं भैया, ए स्क्वायर की वैल्यू 600 बटे 13 है, तो 600 बटे 2 300 बटे 13 अप्रोक्सीमेटली 23 हो गया, 169 प्लस 23 192, आंसर जो है नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, लगभग आंसर बताना है, तो 192 को 196 नहीं मान सकते, 192 का अंडर रूट लगभग 14 के आसपास होगा, इसलिए 14 हो जाएगा, ठीक है 14, बिल्कुल टाइम मिलेंगे। समझ में आया यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत आई, आसान सा सवाल था, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, सवाल नंबर 12 बनाइए, सॉल्व इट। एक रेगुलर पिरामिड है जिसका बेस एक स्क्वायर है, इस पिरामिड की हाइट 22 सेंटीमीटर है, इसके बेस की साइड 14 है, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इस पिरामिड का वॉल्यूम एक स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर है, तो स्फेयर की त्रज्या क्या है, स्फेयर की रेडियस क्या है। देखिए कितना आसान सवाल है एमडी, बिल्कुल भाई रिवीजन का समय आपको एक महीने मिलेगा, बैच होने के बावजूद भी एक महीने तक ये वीडियो रहेंगे अवेलेबल, ठीक है। तो अगर पिरामिड का देखो स्क्वायर बेस है, इसकी साइड हाइट 22 है और साइड 14 है, तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 1/3 एरिया ऑफ बेस 14 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 22 ही हो गया। अब ये पिरामिड का वॉल्यूम एक स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, स्फेयर की रेडियस मैंने आर मान ली r³, तो r की ही वैल्यू निकाल ली, तो इसमें कुछ था। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला पता है, पेपर में आज ऐसे ही सवाल आए हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, आपको पिरामिड के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता हो, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता हो, कर लोगे, ठीक है। टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे मैंने, तो फिर भी आपको बहुत स्टैंडर्ड सवाल कराए हैं, हर टाइप के सवाल इजी मॉडरेट डिफिकल्ट आपको करने पड़ेंगे। देखो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बस सीट लगा लो और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो और कुछ मत करो, शांत रहो। इवनिंग में ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगी आज शाम को 9 बजे से, ट्रिग्नोमेट्री का पहला बेसिक लेक्चर होगा आज की क्लास में, ठीक है। चलिए विशाल, बहुत सारी वीडियोस तो पेंडिंग है, अगर वीडियोस पेंडिंग है तो गलती आपकी है, मैं तो दिन में एक ही वीडियो देता हूं, आप उसको डेली देखा करिए, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, देखो 22 से तो 22 कट गया भैया मेरे, है ना, 3 से 3 कट गया, अभी 4/7 हो गया, 4/7 देखो 14 का स्क्वायर, 14 स्क्वायर यहाँ पे तुम 14 स्क्वायर है बटे 4 कर दोगे, 14/4 यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर इंटू 7 बराबर r³, तो 7³ बराबर r³, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी। यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत है नहीं ना, आसान सवाल है, अगला सवाल ले लेंगे हम लोग, बनाइए।
हाँ सोनू, इस इवनिंग में ट्रिग्नोमेट्री होगी, ठीक है। एक रेगुलर स्क्वायर पिरामिड है जिसके बेस की साइड 20 है, हाइट इसकी 45 सेंटीमीटर है, इसको पिघला के रिकास्ट इनटू रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 10√3 सेंटीमीटर। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ रेगुलर ट्रायंगल पिरामिड? हाँ बिल्कुल मनविंदर, ट्रिग्नोमेट्री होगी। अब एक स्क्वायर बेस पिरामिड को पिघला के ट्रायंगुलर बेस के पिरामिड बनाए, पूछा कितने पिरामिड बनेंगे, तो कितनी बार समझा चुके हूं हमेशा इस टाइप के सवालों में वॉल्यूम आयतन को इक्वल रख देंगे। अगर मैं स्क्वायर बेस पिरामिड की बात करूं तो स्क्वायर पिरामिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो स्क्वायर की साइड कितनी है, स्क्वायर की साइड है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर, और हाइट कितनी हो जाएगी 45 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर बेस पिरामिड का वॉल्यूम। ये इक्वल हो जाएगा, रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड बना रहे हैं तो एक ट्रायंगुलर पिरामिड का वॉल्यूम 1/3 एरिया बेस। इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 10 है, तो अगर साइड 10 तो एरिया कितना हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 25√3। हाइट कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल पिरामिड की, 10√3। और सपोज ऐसे एन पिरामिड बनते हैं तो आपको एन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एन पिरामिड का जो वॉल्यूम है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई है? देखो 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी 20 का स्क्वायर 400 हो गया इंटू 25, सही बात है, 25 इंटू 45, 25 इंटू 250 हो गया, √3 × √3 हो गया बराबर n, बोलो सही है। देखो 3 से 45 15 बार कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 × 8 = 40, 5 × 25 = 25, 5 × 3 = 15 और 8 × 3 = 24, n बराबर 24 आ गया। तो कितने पिरामिड बन जाएंगे, 24 इसका आंसर हो जाएगा। 49 × 4 आ रहा है, कौन से 49 × 4 कैसे आ जाएगा, 4 × 14 = 196, 7² तो रह जाएगा, 7² × 7 ही आएगा भाई, ठीक है। चलिए ये समझ में आया। HSSC क्लर्क में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आएंगे, करवा दो सर। इंटीग्रेशन डेरिवेशन जो है अपने SSC के सिलेबस में नहीं आते हैं, ठीक है, ना ही RRB NTPC में आते हैं। आज क्लास इसलिए है क्योंकि शाम को 9 बजे से हमको एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, इसलिए हम ये आपको टॉपिक 1 घंटे क्लास लेके अभी खत्म करा देंगे पिरामिड, है ना। चलिए जल्दी सॉल्व करिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक राइट पिरामिड है जिसका बेस एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के बेस की साइड 12 सेंटीमीटर है, पिरामिड की हाइट 40 सेंटीमीटर है, पिरामिड को चार पार्ट्स में काटा गया इक्वल हाइट पर, तीन प्लेन द्वारा बेस के पैरेलल, तो बताइए उन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम आयतन का रेशियो क्या है। बिल्कुल प्रिज्म कंप्लीट हो चुका है, पिरामिड आपका स्टार्ट है भाई, मीन्स इजी है भैया। आप मुझे बताइए एक राइट पिरामिड है, पिरामिड का बेस क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड दी हुई, उसकी हाइट दी हुई है, तीन कट द्वारा बेस के पैरेलल पिरामिड को जो है चार पार्ट से माटा गया, कट जो है इक्वल हाइट्स पर लगाए गए, तो जो चार पार्ट बने उनके वॉल्यूम का रेशियो बताइए। अगर आपको याद हो तो ऐसा ही सवाल सेम टू सेम मैंने कोन में बनाया था, मैंने शंकु में बताया था, और जो चार पार्ट्स आपके बनते हैं मैंने वहां पे बताया था कि उनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो आप कैसे लिखते हो, 1² ( 2² - 1² / 3² - 2² एंड ... ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। और मैंने बताया था कि अगर वॉल्यूम का रेशियो लिखना हो चारों पार्टों के, तो वॉल्यूम क्या होता है, पावर 3 में होता है, 1³ (√2³ - 1³) / 3³ - 2³ / 4³ - 3³, इस तरीके से चीजें चलती जाती हैं, 4³ - 3³ बताइए, तो 1 है ना, 7 19 37, ये आंसर होता है डी ऑप्शन, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए कि यहां पे अगर राइट पिरामिड की जगह जिसका बेसिक स्क्वायर है अगर कोन होता तो भी आपका आंसर सेम होता, अगर पिरामिड का बेस स्क्वायर ना होके कोई भी रेगुलर पॉलीगन होता तो भी सेम ही आंसर होता,
आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आप इस बात का ध्यान रखेंगे मेरे भैया कि अगर यहाँ पे राइट पिरामिड की जगह होता कोन शंकु तो वॉल्यूम का रेशियो तब भी यही होता इक्वल हाइट पे कट लगाने से। अगर यहाँ पे पिरामिड का बेस स्क्वायर होने की वजह से कोई भी रेगुलर पॉलीगन होता, चाहे वो रेगुलर हेक्सागन होता, चाहे वो समबाहु त्रिभुज होता, आपका आंसर सेम ही आता इसी रेशियो में। ठीक है खुशीराम, वेरी गुड। हाँ प्रिज्म का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है अमित। सुप्रिया अभी क्लास इसलिए है क्योंकि शाम को 9 बजे से आपका नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति हमको स्टार्ट करना है। ठीक है ना, और ये टॉपिक में आपके 10-12 सवाल बचे हुए थे तो मैं ये निपटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें आपको। तो अगर इस सवाल को मैं आपको करके भी बताऊं तो मुझे एक बात बताइए, पिरामिड का बेस एक स्क्वायर है, ये हो गया पिरामिड, पिरामिड विद स्क्वायर बेस। अब इसमें तीन कट लगाए बेस के पैरेलल, तो एक कट जो है आपका कुछ इस तरीके से लगा दिया, दूसरा कट आपका इस तरीके से लगा दिया और तीसरा कट आपका इस तरीके से लगा दिया। तीनों जो कट हैं वो इक्वल हाइट पर लगाए गए, तो इस पिरामिड के कितने टुकड़े हो जाएंगे, चार टुकड़े हो जाएंगे, चार टुकड़े हो जाएंगे पिरामिड के। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाले की हाइट अगर 1 है तो यहां पे चार पिरामिड बन जाते हैं इस तरीके से, तो इसकी हाइट कितनी है 2। और अगर मुझे बताइए तो नीचे थर्ड पिरामिड की हाइट कितनी हो जाएगी 3 और पूरी कंप्लीट हाइट कितनी हो जाएगी 4। ओके इक्वल इक्वल हाइट है, सारे इक्वल हाइट्स पर लगाए गए कट। तो अगर यहां पे मैं आपको एक कंसेप्ट दिखाऊं कि यहां से एपेक्स से अगर मैं इसके ये लाइन सीधी ड्रॉ करो तो इसके ग्रेविटी सेंटर को यहां पे आके मिलेगी। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो पिरामिड की हाइट है, अगर मैं किसी ये पिरामिड का बेस एक स्क्वायर है, अगर मैं बेस के पैरेलल कट लगाता हूं तो एक कट लगाने से स्क्वायर मिलेगा, एक कट लगाने से आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर जो है स्क्वायर ही बन जाएगा। ये जो ब्लैक ब्लैक मैंने बनाए हैं ये सब भी क्या होंगे, ये सब भी स्क्वायर बनेंगे बिल्कुल। उनका पीडीएफ मिलता है जो क्वेश्चन में लाइव सॉल्व कराता हूं, आपको पहले ही मैं पीडीएफ डलवा देता हूं। ठीक है क्लियर है, तो यहां पे ये सब भी ब्लैक ब्लैक जो मैंने बनाए सब स्क्वायर होंगे, स्क्वायर होंगे। अब गौर से समझना, अगर मैं यहां पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां पे इसको मैं देखूंगा, 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 ये क्या हो जाएगी, ये स्लांट हाइट हो जाएगी, दिस विल बी व्हाट, ये स्लांट हाइट हो जाएगी पिरामिड की, स्लांट हाइट। तो क्या आपको यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, 1 और ये 2 और ये 3 दिखाई दे रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये सारे के सारे जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90। इनकी हाइट की मैं बात करूं तो इसकी हाइट 1 है, दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट 2 है, तो इसकी हाइट कितनी है 3 है, इसकी हाइट कितनी है 4 है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, यहां तक कोई समस्या? तो कंसेप्ट यहां पे वही लगना है कि अगर ये हाइट 1:2:3:4 के रेशियो में, तो इनकी ये करस्पॉन्डिंग लेंथ, ये वाली जो करस्पॉन्डिंग लेंथ होगी ये भी 1:2:3:4 के रेशियो में होगी, ये भी 1:2:3:4 के रेशियो में होगी। बोलो हाँ होगी, 1:2:3:4 के रेशियो में, यानी कि ये 1:2:3:4, ये लाइन 1:2, ये 3:4, 1:2:3:4 के रेशियो में। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो डिस्टेंस है ये स्क्वायर की लेंथ का आधा है, ये इस वाले स्क्वायर की लेंथ का आधा है, ये इस वाले स्क्वायर की लेंथ का आधा है, इस स्क्वायर वाले की लेंथ का आधा है। अगर स्क्वायर की आधी लेंथ का रेशियो 1:2:4 है तो स्क्वायर की, ये जो स्क्वायर बने इन स्क्वायर की साइड का रेशियो भी 1:2:3:4 होगा, इन स्क्वायर की साइड का रेशियो भी 1:2:3:4 होगा, जिस रेशियो में हाइट उसी रेशियो में इन स्क्वायर की साइड। अगर इन स्क्वायरों की साइड का रेशियो 1:2:3:4 है तो इन सभी जो स्क्वायर बने जो वर्ग बने इनके पेरीमीटर का, इनके परिमापों का रेशियो भी 1:2:3:4 होगा, इनके पेरीमीटर का रेशियो भी 1:2:3:4 होगा।
आप मुझे बताइए कि यहां पे इस तरीके से तुम्हारे पिरामिड बनेंगे तो स्लांट हाइट हो जाएगी, स्लांट हाइट का रेशियो भी सेम होगा, सिमिलर ट्रायंगल की करस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो यहां पे जो स्लांट हाइट्स का रेशियो बनेगा इन सभी पिरामिड की, स्लांट हाइट्स का जो रेशियो बनेगा वो हो जाएगा 1:2:3:4, एकदम कोण की तरह है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है रोहित, कैलकुलेशन करके देखना सही है, 1:2:3:4 होगा। अब इन सभी पिरामिड के पेरीमीटर का रेशियो भी 1:2:3:4, स्लांट हाइट का रेशियो भी 1:2:3:4। तो ये जो पिरामिड बनेंगे ऊपर से नीचे, इनके कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, एक बोलते तो आधार का परिमाप गुणा त्रियक ऊंचाई। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, भाई पेरिमीटर इंटू स्लांट हाइट का प्रोडक्ट ही कर्व सरफेस एरिया का रेशियो होगा, लिटरल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा इन सभी पिरामिड के, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। लेकिन समझने वाली बात है कि अगर इस पिरामिड का 1 स्क्वायर है, दूसरे का 2 स्क्वायर है, तो ये जो चार पार्ट्स बनेंगे, चार पार्ट्स का लिटरल सरफेस एरिया क्या ये नहीं हो जाएगा 1 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। दिस इज द कंसेप्ट, क्लियर है। मुझे बताइए कि अगर इस पार्ट का 1 स्क्वायर है, सेकंड प्रिज्म का, सेकंड पिरामिड का 2 स्क्वायर है, तो इस वाले पार्ट का कितना बचेगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत है, यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है चलिए, अगर मुझे इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम, इनके आयतन का रेशियो लिखना, इनके वॉल्यूम का रेशियो लिखना, तो इनके आयतन का जो रेशियो होगा, हरी नए क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, पेपर में नए क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा हर सवाल नया करोगे, ये सवाल पेपर का पूछा हुआ है और एसएससी का लेवल यही है, अगले 20 सालों तक यही पूछेगी, उनकी क्षमता नहीं है नए सवाल बनाने की, तो आप यही करो, यही समझो वही। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। मुझे बताइए कि ये जो स्क्वायर बने हैं, इनके पेरीमीटर का रेशियो 1:2:3:4 है, ये जो चार स्क्वायर बने इनकी साइड का रेशियो भी 1:2:3:4 होगा, तो यहां पे ये जो स्क्वायर बने इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, अगर मैं इनके एरिया के रेशियो की बात करूं तो एरिया साइड का स्क्वायर, इसका एरिया 1 स्क्वायर, इसका एरिया 2 स्क्वायर, इसका एरिया 3 स्क्वायर और नीचे वाले का एरिया 4 स्क्वायर, इनके एरिया इस रेशियो होंगे 1 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर, एरिया का तो रेशियो ये है, और ये जो पिरामिड बने इनकी हाइट 1:2:3:4 के रेशियो में है, क्लियर है। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 1 क्यूब, जो चार पिरामिड बनेंगे ऊपर से नीचे, इनके वॉल्यूम ये हो जाएंगे 1 क्यूब रेशियो 2 क्यूब रेशियो 3 क्यूब रेशियो 4 क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम का रेशियो, ये वॉल्यूम का रेशियो है। लेकिन चार पार्ट्स की बात करूं तो ऊपर वाले पिरामिड का 1 क्यूब, सेकंड वाले का 2 क्यूब, ऊपर वाले का 1 क्यूब, तो सेकंड जो मिडिल पार्ट है इसका वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, इसका 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, इसका रेशियो 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, ये बनता है डायरेक्ट रिलेशन, और ये आपको याद रखना है, सही है, क्लियर है। यहां तक कोई समस्या किसी स्टूडेंट को, एक बार इसको देख लेते हैं, बार बार डाउट कर रहे हैं, 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट इक्वल टू 4/3 पाई, 3 से 3 कट गया, 2 22 से 22 कट गया, 2 दूनी 4, 4/7 हो गया, 14/4 सही है भाई। चलो इधर देखो तुम, क्लियर है, बता इसमें कोई डाउट है। तो यहां पे वॉल्यूम का जो इश्यू, 1 क्यूब 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में रिपीट होता है, मैंने आपको तरीके सारे बता दिए कि चाहे कौन हो, चाहे पिरामिड किसी भी रेगुलर पॉलीगन पे बने, हमेशा रेशियो यही आएगा, बताइए कोई दिक्कत। अगला सवाल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है यस बनाइए, सवाल नंबर 15 सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। टाइम जो है आपका वही है, रात को 9 बजे, 9 बजे से आपकी क्लास होगी, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक लेक्चर सभी लोग अटेंड करेंगे,
ठीक है, बनाइए। एक पिरामिड का बेसिक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 12 सेंटीमीटर है, पिरामिड की हाइट 21 सेंटीमीटर है। पिरामिड को इज कट इनटू 3 parts by 2 कट्स पैरेलल टू इट्स बेस। पिरामिड में तीन कट लगाए गए हैं बेस के, सॉरी तीन पार्ट में बांट दिया गया है 2 cuts द्वारा बेस के। पैरेलल कट्स आर एट हाइट ऑफ 7 cm and 14 cm। कट्स जो हैं वो 7 cm 14 cm की हाइट पर लगाए गए हैं बेस से। तो डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट पार्ट, टॉप मोस्ट पार्ट मतलब सबसे ऊपरी पार्ट और जो सबसे लोअर पार्ट है उनके वॉल्यूम का डिफरेंस पूछा है। मेंसुरेशन एडजस्ट, यानी आज स्पेशल क्लास है एक्स्ट्रा, ये टाइम नहीं है आपका, ठीक है। मेंसुरेशन 2D आपका ट्रिग्नोमेट्री के बाद कराएंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक स्क्वायर बेस पिरामिड बना दूं, गौर से सुनना, आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा। बताइए यहां तक बात क्लियर है, ये भी बना दूं। अब मैंने इसमें 2 cuts लगा के इसको 3 parts में बांट दिया, तो 1 cut मैंने ये लगा दिया, दूसरा कट जो हमने ये लगा दिया, तो ये 3 parts में डिवाइड हो गया आपका पिरामिड, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे बताइए यहां पे पिरामिड की जो साइड ऑफ स्क्वायर इज 12, इस पिरामिड के जो स्क्वायर की साइड है वो 12 cm है, 12 cm है। पिरामिड की हाइट जो है वो 21 है, ये 21 cm है। पिरामिड की ऊंचाई 21 है, बोलो बात सही है। पिरामिड इज कट इनटू 3 parts by 2 cuts पैरेलल टू बेस, द कट आर एट हाइट ऑफ 7 and 14। एक कट लगाया गया है बेस से 7 cm की हाइट पर, दूसरा कट लगाया है बेस से 14 cm की हाइट पर, यानी कि डिस्टेंस भी 7 हो जाएगी, 7 + 7 = 14। तो ये भी कितना बचेगा, फिर 7 ही बचेगा, 7 + 7 = 14, 7 = 21। तो मुझे ये पता चल गया कि जो कट हैं वो इक्वल हाइट पर लगाए गए हैं। मेंसुरेशन 2D अभी नहीं होगी, बाद में होगी। जो कट जो हैं वो इक्वल हाइट पर लगाए गए हैं, 7 cm की ऊंचाई पर लगाए गए। आपसे पूछा टॉप मोस्ट पार्ट मतलब ये वाला और जो लोअर पार्ट है इनके वॉल्यूम का डिफरेंस पूछा है। मैंने अभी बताया सीधा शॉर्टकट है कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम 1³ है, तो मिडिल वाले पार्ट का वॉल्यूम 2³ - 1³ होगा और लोअर पार्ट का वॉल्यूम 3³ - 2³ होगा। ये रेशियो होता है अगर किसी पिरामिड जिसका बेसिक रेगुलर पॉलीगन है उसको हम इक्वल हाइट से काटें तो ये रेशियो बनता है, यही रेशियो बनता है। तो 1³ 1, ये तुम्हारा 7 और ये तुम्हारा कितना 19, 1:7:19 बनेगा वॉल्यूम। बताइए यहां तक कोई समस्या, यही बनेगा कि नहीं। इसका वॉल्यूम 1 यूनिट है तो इसका 7 नीचे वाले का 19 होगा, ठीक है, 5% रो मत आप, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं पूरे इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकता, पूरे का वॉल्यूम? देखो पूरा कितना हो जाएगा, 7 + 8 + 19 = 27, पूरे पिरामिड का वॉल्यूम 27 यूनिट और पिरामिड का वॉल्यूम है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, 1/3 आधार की साइड 12 है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई 21, ये पूरे पिरामिड का वॉल्यूम है। आपसे पूछा है ऊपर वाले पार्ट और लोअर पार्ट का डिफरेंस, इसका वॉल्यूम 1 यूनिट है, इसका 19 यूनिट है, डिफरेंस कितना 18, तो 27 यूनिट की वैल्यू अगर ये है तो 18 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 18 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 1/3 12 का स्क्वायर 144 × 21, यही हो जाएगा इंटू 27 की वैल्यू ये है, 18 की वैल्यू पूछे, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2/3 से, 3 × 3 = 6, 6 से 24 हो जाएगा, 24 × 2 = 48, 48 × 21। बताइए यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। 21, 8, 168 का 8 हासिल लगे 16, 21, 84 और 16, ये कुछ गड़बड़ है। सबसे ऊपर वाले भाग और सबसे नीचे वाले भाग के आयतन का अंतर 19 - 1 = 18, 1/3 एरिया बेस 12 का स्क्वायर × हाइट 21 हो जाएगी, 27 की वैल्यू है, 7 आपसे पूछी कितने 18 के लिए, तो 1/3 12 का स्क्वायर 144 × 21 / 27 × 18, 2 × 18 = 27, 3 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 24 × 6 = 44, 24 × 48 × 21, यही होना चाहिए, इसमें गड़बड़ कहाँ है। ऑप्शन वर्गाकार आधार पिरामिड की प्रत्येक भुजा 12 ऊंचाई 21 है, 2 cuts द्वारा काटा गया है 7 और 14 पर, तो ये 1 होगा, ये 7 होगा, ये 19 होगा, 7 + 8 = 19 = 27, 1/3 एरिया बेस
एरिया बेस 12 का स्क्वायर इंटू हाइट 21 हो गया, तो 27 की वैल्यू है, ठीक है, 3 × 7 = 21, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144 गुना 7/27। आपसे पूछा इनका डिफरेंस, 18 यूनिट की वैल्यू पूछे, तो 18 की वैल्यू 144 गुना 7/27 इंटू 18, तो 9 × 18 = 9 × 27, 3 × 48, अच्छा 48 इंटू 14 आएगा, सॉरी, ठीक है, 12 × 2 = 11, 14 × 2 = 56, 67 × 2 = 672, 672। ए ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन आंसर है, ठीक है। प्रामिट्स के नोट जल्दी डलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान से सवाल थे, देखो कर पा रहे हो सवालों को, वेरी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सवाल को ध्यान से समझना। एक पिरामिड का जो बेस है ना वो रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है, तो यहां पे बात हो गई गड़बड़। रेक्टेंगल इज नॉन रेगुलर फिगर, रेक्टेंगल का एक नॉन रेगुलर फिगर है, और रेक्टेंगल की लंबाई 16 है, चौड़ाई 12 है, पिरामिड की हाइट 8 है, तो इस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके मेंस एग्जाम के लिए और अपकमिंग एग्जाम के लिए, कि एक रेक्टेंगल पे सवाल बहुत प्यारा आसान सा बन सकता है। आपको उस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया बताना है जिसका बेस एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, और यहां पे पिरामिड की हाइट 8 है। तो आप इसको ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जैसे कि मैं आपके सामने एक रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड बनाता हूं, गौर से देखिए, तो ये 16 सेंटीमीटर होगा और ये 12 सेंटीमीटर होगा, बोलो बात सही है, बोलो बात सही है, गौर से सुनना। और यहां पे जो पिरामिड जो बन जाएगा आपका इस तरीके से बन जाएगा, ये आपका पिरामिड बन गया एक रेक्टेंगुलर बेस पे, और इस पिरामिड की जो हाइट है, इस पिरामिड की जो हाइट वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, तो हाइट जो होगी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस। अब ये जैसे रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड है, इसको अगर आप खोल दो, अगर आप इस रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड को खोल दोगे, तो यहां पे बात ध्यान रखना कि रेक्टेंगल इधर बनाते हैं, आप इस पिरामिड को खोलोगे तो ये तो 16 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, अलग अलग है लंबाई और चौड़ाई। जब यहां पे इसको खोलोगे तो ये तो हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे, तो ये जो दोनों लेटरल सरफेस है ये आइडेंटिकल हैं, ये एक जैसे रहेंगे समरूप, ये दोनों लेटरल सरफेस आइडेंटिकल हैं, ठीक है नरेश, थोड़ा लॉजिक लगाओ, ये जो दोनों लेटरल सरफेस है ये आइडेंटिकल हैं, वो कि ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, लेकिन यहां पे ये जो दोनों लेटरल सरफेस है ये अलग अलग होंगे, लेकिन ये आपस में एक जैसे होंगे, ये आइडेंटिकल होंगे, बताइए कोई दिक्कत है। इनकी स्लांट हाइट देखो, किसी भी पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया होता है कैसे, जितने भी लेटरल सरफेस है उन सबका एरिया ऐड कर दो। यहाँ पे दिक्कत यह है कि फिगर रेगुलर नहीं है, 16 है ये 12 है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो यहाँ पे स्लांट हाइट दो होंगी, इस वाले की स्लांट हाइट जो है अलग होगी, ये L1 है, और इसकी भी स्लांट हाइट जो है सेम होगी, ये L1 है, लेकिन ये जो दोनों ट्राइंगल है इनका देखो, इन ट्राइंगल की ये बेस 12 है, इन दोनों ट्राइंगल का बेस 16 है, तो इसकी स्लांट हाइट जो है ये अलग होगी, ये L2 होगी, और इसकी जो स्लांट हाइट है वो अलग होगी, ये आपकी L2 होगी। ये यहाँ पे ये लॉजिक था जो आपको समझना था। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बात समझ में आ रही है। ये दोनों ट्रायंगल आइडेंटिकल है और ये दोनों आइडेंटिकल हैं, और यहाँ पे ये जो चौंच है, यहाँ पे ये वाली जो चौंच है, बात को गौर सुनना, ये एपेक्स है, ये एपेक्स है, ये एपेक्स है, लेकिन एजेस सबकी सेम है, ये भी एज, ये स्लांट एज ये है, ये स्लांट एज ये, स्लांट एज ये है, ये स्लांट एज ये, ये स्लांट एज ये, स्लांट एज ये, क्योंकि यहाँ पे जब तुम देखोगे ना,
मुझे ने आपको बता रखा कि स्क्वायर के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, तो ये स्क्वायर के दोनों विकर्ण बराबर होंगे और विकर्णों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही सेंट्रोइड है। तो अगर ये हाइट h है, ये डिस्टेंस क्या है मुझे बताइए, ये डिस्टेंस क्या है, तो ये स्क्वायर के डायगोनल का आधा है, स्क्वायर के डायगोनल का आधा है d बाई टू, ये h है। तो स्लांट एज e की जो वैल्यू होगी ये इक्वल आएगी अंडर रूट h स्क्वायर प्लस डायगोनल d बाई टू के होल स्क्वायर से, बताइए होगी ना। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 90 डिग्री है भैया, रेक्टेंगल के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु सेंट्रोइड हो गया, सेंट्रोइड से हाइट h, सेंट्रोइड से डिस्टेंस डायगोनल का आधा, रेक्टेंगल के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो अंडर रूट h स्क्वायर प्लस d बाई टू का स्क्वायर बराबर e स्क्वायर, ये भी e, ये भी e आएगा, ये भी e आएगा, तो स्लांट एज तो बराबर होती है, लेकिन लेकिन बेस चेंज होना की हो जाने की वजह से स्लांट हाइट अलग अलग हो जाएगी। तो रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड में दो स्लांट हाइट होती हैं, दो त्रियक ऊंचाई होती हैं, ये समझना था आपको इस क्वेश्चन में। अब जैसे इसी सवाल को देख लीजिए, तो आपको यहां पे दोनों लेटरल सरफेस को अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भैया मेरे गौर से बात को, जैसे एक पिरामिड है, पिरामिड का बेस ऐसे समझ लो एक रेक्टेंगल हो गया, इस रेक्टेंगल की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, ये 16 हो गया ठीक है, चौड़ाई जो है इसकी 12 सेंटीमीटर है, 12 हो गया, इसकी हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है। तो मुझे एक बात बताइए भैया मेरे कि यहां से जो है तुम्हारी हाइट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, 8 हो गया, क्लियर है। और यहां से जब तुम इसको देखोगे तो क्या ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिखेगा यहां पर, ये स्लांट हाइट हो जाएगी ना, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये आपकी स्लांट हाइट होगी, ये स्लांट हाइट होगी आपकी, ये वाली कौन सी वाली स्लांट हाइट हो जाएगी, ये वाली 16 सेंटीमीटर पर स्लांट हाइट ये रही L2, बताइए कोई दिक्कत है, अरे बात समझ में आ रही है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या। तो ये स्लांट हाइट बन जाएगी आपकी यहां पे, ये 16 सेंटीमीटर है, ये हाइट 8 सेंटीमीटर है, ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी 12 का आधा 6 हो जाएगी और ये स्लांट हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 10, कितना हो जाएगी 10, ये बात समझ में आई है किसी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि ये हाइट जो है ये तुम्हारी कितनी 8 है, ये 16 है, तो अगर मुझे स्लांट हाइट निकालना है सरफेस पे तो यहां पे तुम इसको यहां पे परपेंडिकुलर डालोगे कि नहीं, ठीक है, 8 6 10 आएगी, लॉजिक लगाना सीखे थोड़ा सा, तो ये जो स्लांट हाइट हो जाएगी 10 हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर वाले जो वो बनेंगे, दो बनेंगे, क्लियर है, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, तो इन दोनों ट्राइंगल का जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2, आधार क्या है 16 और हाइट क्या है 10, क्योंकि दो ट्राइंगल बनेंगे तो दो से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, ये तो हो गया इसके लिए, ये तो हो गया इसके लिए। अगर मैं इसी पिरामिड को दोबारे से बना लूं, गौर से समझना, जैसे मैंने पिरामिड बना लिया, गौर से समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये 16 है, ये 12 है, यहां से हाइट तुम्हारी कितनी है 8 है, तो अगर मुझे इसकी स्लांट हाइट निकाल लो तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालते हो कि नहीं, तो ये एंगल क्या 90 डिग्री का नहीं बनता, ये 8 है, ये 16 है, तो ये भी कितना होगा 8 हो जाएगा, आधा आधा 8 है 8 है, तो इस स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी 8√2 हो जाएगी ना, तो ये चौड़ाई 12 पर स्लांट हाइट 8√2 हो जाएगी। तो ये जो दो भैया यहां पे इस क्वेश्चन में लॉजिक ये होता है कि इन दोनों का लेटरल सरफेस एरिया अलग निकालो स्लांट हाइट से, और इन दोनों का लेटरल सरफेस एरिया अलग निकालो, बात समझ में आई, तो इन दोनों का लेटरल सरफेस एरिया देखो, साइड अगर 12 है तो 12 के ऊपर स्लांट हाइट कितनी 8√2, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2, 12 × 8√2, ये तो एक ट्राइंगुलर का हो गया, दो का ये हो जाएगा 96√2, 96√2 बोलो। तो अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए इस दिस प्लस दिस दोनों को जोड़ देंगे, 160 प्लस 96√2, ये पूरे पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया आ गया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, रेक्टेंगल का जो एरिया है पिरामिड के जो बेस का एरिया है 16 × 12, वो भी ऐड करना पड़ेगा, ये होगा पूरे पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेटरल सरफेस एरिया तो है ही, लेकिन इस रेक्टेंगल का एरिया और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो 160 प्लस 192 कितना हो जाएगा तुम्हारा 352। 352 प्लस 96 रूट 2 क्वेश्चन का आंसर होगा, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये सही ऑप्शन फर्स्ट। हाँ प्रयास कुमार, समझ में आया क्वेश्चन? तो यहां पे आपको स्लांट हाइट रेक्टेंगल के केस में दो दो निकालने पड़ती हैं, ठीक है? दो दो स्लांट हाइट, एक 12 साइड पर, एक 16 साइड पर। सही है, समझ आया ये वाला सवाल? अगला क्वेश्चन लेंगे, सवाल नंबर 17। ये क्वेश्चन जो है जबरदस्त है, वेरी जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये। राइट पिरामिड ऑफ 9.6 फीट हाइट स्टैंड्स ऑन ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ एरिया 234 स्क्वायर फीट। इफ द लेंथ ऑफ ईच स्लांट एज इज 20.4 फीट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ पिरामिड। देखिए गौर से समझना, एक पिरामिड का जो बेस है वो एक रेक्टेंगल है, वो एक आयत है, तो ऐसे समझ लीजिए। पिरामिड का बेस जो क्या बताया क्वेश्चन में, एक रेक्टेंगल बताया है, एक आयत बताया है। तो ये पिरामिड हो गया विद रेक्टेंगल बेस। इस पिरामिड की जो हाइट है, तो यहां एपेक्स है, एपेक्स से बेस पे तुम ये परपेंडिकुलर डाल दो चाहे, तो ये हो जाएगी हाइट 9.6 फीट। एक रेक्टेंगुलर बेस पे खड़ा है, रेक्टेंगुलर बेस का एरिया 234 दिया है, स्लांट एज 20.4 फीट दिया है। आपसे पूछा है पेरीमीटर बताना है पिरामिड का, तो ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की लंबाई तो ए हो गई, और चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई बी हो गई। तो मुझे एक बात बताइए, एरिया कितना हो जाएगा, ए गुणा बी 234। ये तो हो गया 234 एरिया हो गया, सही है, क्लियर है? बताइए यहां तक कोई समस्या? आप मुझे एक बात बताइए, यदि प्रत्येक प्रत्येक त्रियक भुजा की लंबाई 20.4 है, त्रियक भुजा की लंबाई जो है 20.4 है, त्रियक भुजा समझ रहे हैं, स्लांट एज, तो यहां पे ये जो है, ये जो स्लांट एज है ये कितनी है, ये 20.4 है, 20.4 फिट है। तो अगर ये 20.4 है तो क्या आपको यहां पे ये लेंथ डायगोनल का आधा नहीं होगी, ये लेंथ डायगोनल का आधा नहीं होगी क्या, डी बाई टू नहीं होगी दिस लेंथ, दिस लेंथ विल बी डी बाई टू, बोलो हाँ। यहां मुझे समझ में आ गया कि ये जो लेंथ है ये डी बाई टू है, डायगोनल का आधा है। 160 कहां से आया, 160 जो है यहां से आया था, कैसे करोगे यार तुम लोग, 160 किधर गए, 160 ये है ना भैया, 16 सेंटीमीटर पे एक ट्रायंगल नहीं बनेगा, यहां पे अगर आप देखते तो ये 16 सेंटीमीटर की स्लांट हाइट मैंने निकाल ली थी ना 10, तो 16 इंटू 10 बटा 2 80, इसका एरिया 80 इसका, इन दोनों का एरिया हो जाएगा 160, इन दोनों का 160, ठीक है? चलो यहां पे आ जाओ आप, यहां पे मुझे दिया है प्रत्येक त्रियक भुजा 20.4, तो ये 20.4 दिया है। अच्छा ये 9.6 से 20.4 है, तो क्या डायगोनल का आधा नहीं आ जाएगा, डायगोनल का आधा आ जाएगा। 9.6 और 20.4 को देख के घंटी बजती है, अरे 17 से कट रहा है, 17 कम 17 दूनी 34, ये 8 से कट रहा है। आपको ट्रिपलेट पता है क्या, 8 15 17, डू यू नो ट्रिपलेट, 8 15 16, 8 15 17 ट्रिपलेट पता है, बोलो हाँ। अगर मैं इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9.6, 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 18, 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20.4, 20.4 ये आपके ट्रिपलेट बन जाएंगे। मतलब एक 9.6 है, 20.4 है, तो इस साइड कितने हो गए, 18, 18, सो डायगोनल का आधा 18 होगा, ये 18 होगा। अगर डायगोनल का आधा 18 है तो डायगोनल की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 36, 36, डायगोनल की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 36। और रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए यहां तक कोई समस्या, ए इंटू बी कितना हो गया 234, तो ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36।
यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, आपको निकालना है पेरीमीटर। क्या निकालना है? बेस का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 into a + b। रेक्टेंगल का परिमाप यही होता है, 2 into a + b। बोलो हाँ यही होता है। ठीक है, तो a प्लस बी कैसा आएगा? अगर ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 है, दोनों तरफ से स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा? 36 × 36 = 1296। यही है, ये a प्लस बी 234 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 234 × 2 कितना होगा? 468 हो गया। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, जैसे ही दोनों को जोड़ोगे देखो काम बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1296 प्लस 468, 8 × 14 = 4, 6 × 7 = 9, 16 × 6, 4 × 5 = 2 = 7, 1764। एक्चुअली में या तो मैं करता हिट एंड ट्रायल, लेकिन हिट एंड ट्रायल से होता नहीं, तो मैंने ऐड कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अगर मैं 2ab से जोड़ दूं, 2ab जोड़ दूं, तो ये फुल स्क्वायर बन जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है 1764, जो कि क्या है? 42 का स्क्वायर है, 42 का। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का स्क्वायर 42 है। अगर ए प्लस बी का स्क्वायर 42 है तो ए प्लस बी कितना है? 42, 42। लंबाई प्लस चौड़ाई 42 है, और 42 दूनी कितना होता है? 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, 84। यहां तक बात समझ में आई है? तो रेक्टेंगल में समझना पड़ेगा, 9.6 से 20.4, तो डायगोनल की लेंथ कितना है? 18। तो रूट ए, अगर डायगोनल का आधा 18 है तो पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा? पूरा डायगोनल हो जाएगा 36। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1296, 2ab 468, दोनों को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी आ जाएगा। अच्छा सवाल था, 84 हो जाएगा तुम्हारा पेरीमीटर, सही है। अगला क्वेश्चन, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब इसको मैं फिगर को ऐड कर लेता हूँ, चाहे मैं ये वाले, ठीक है, बनाइए, कर लोगे एक बार इस सवाल को, चाहे आप फिर से देख लो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम लेवल है आपके पेपर का, इससे ज़्यादा ऊपर कभी नहीं जाएगा SSC, ठीक है, बनाइए। अब सबसे लास्ट जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं वो है पिरामिड विद रेगुलर हेक्सागन बेस। हेक्सागन के बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूं, आपको उस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया बताना है जिसका बेस एक हेक्सागन है, हेक्सागन की साइड 8√3 है, तो यहां पे दिख रहा है हेक्सागन, और इस हेक्सागन की जो साइड है वो 8√3 है, 8√3 है। हेक्सागन की जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है, तो यहां से ये एपेक्स है, एपेक्स से हेक्सागन के बेस पे जब तुम परपेंडिकुलर डालते हो तो ये हाइट जो है हेक्सागन की, सॉरी पिरामिड की, ये 16 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है इसका लेटरल, सॉरी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, यही होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, एरिया बेस, यही है। आप हमको एक बात बताइए कि कोई भी जो है तुम्हारा ये इस तरीके से होता है, जो आपका रेगुलर हेक्सागन है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना होता है, 1 2 3 4 5 6 से बना होता है, सही है। अब यहाँ पे जो बात होगी वो सारी की सारी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल से समझ में आ जाएगी, कि यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ना इस रेगुलर हेक्सागन का, ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे हाइट आके मिलेगी, ग्रेविटी सेंटर जो होगा, ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलते हैं, ये पॉइंट है आपका ग्रेविटी सेंटर रेगुलर हेक्सागन का, सही है। बोलो बात समझ में आई यहां तक किसी भी स्टूडेंट को? चलो ना, अब मुझे एक बात बताइए, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए स्लांट हाइट, चाहिए त्रियक ऊंचाई, चाहिए त्रियक ऊंचाई निकालना ही यहां पर मेन टास्क है। अब त्रियक ऊंचाई कैसे निकालोगे? एपेक्स से रेगुलर हेक्सागन की किसी साइड पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो परपेंडिकुलर डालोगे यहां पे, क्लियर है? तो ये तो 16 हो गया, और यहां पे आपको छोटा सा ही 90 डिग्री ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा, 90 डिग्री ट्रायंगल,
ठीक है, बात समझ में। 90 डिग्री ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा, और ये जो 90 डिग्री ट्रायंगल जो बनेगा ये कुछ इस तरीके से होगा, भैया मेरे ये लेंथ कितनी है, ये तो हाइट होगी 16, ये स्लांट हाइट होगी एल, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ क्या है, तो ध्यान रखना कि ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होगी, ये जो कांटा डिस्टेंस होगी ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज की हाइट होगी, बोलो हाँ, समबाहु त्रिभुज की हाइट होगी, ये जो होगी बेस उसमें, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। एक्चुअल में जो फिगर बनती है वो ऐसे बनती है जैसे तुम्हारा रेगुलर हेक्सागन है, समषट्भुज है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन के यहां इस पॉइंट से हमने उठा दिया एक, ये हाइट हो गई एच, यहां से हम इस पे बेस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ये होगी स्लांट हाइट स्मॉल एल, तो ये जो है ये जो है यहां पे ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बन जाएगा, 90 डिग्री ट्रायंगल बन जाएगा, क्लियर है। और ये जो होगी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी, अगर ये साइड ए है तो ये रूट थ्री बाई टू ए होगा, बोल दो हाँ, यहां तक बात क्लियर है, रूट थ्री बाई टू है, और ये जो बन जाएगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा बेस में, उसकी हाइट होगी रूट थ्री बाई टू है, ठीक है, सही है ना। तो यहां पे यही चीज आपको करनी है, अब बस खत्म। अगर साइड एट रूट थ्री है तो हाइट कितनी हो जाएगी, 24 बटे दो 12 हो जाएगी हाइट, ये 12 16 12 स्लांट हाइट कितनी होगी 20, तो स्लांट हाइट कितनी आ गई इस पिरामिड की 20 आ गई, अगर 20 आ चुकी है तो लिटरल सरफेस एरिया 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, तो पेरीमीटर बेस का कितना हो जाएगा 8 × 48 रूट तीन, और हाइट स्लांट हाइट कितनी 20 प्लस बेस का एरिया। अब बेस जो है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बनता है, तो मुझे बताइए अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 तो एरिया रूट 3, यहां साइड 4 रूट 3 गुना है तो ये कितना होगा एरिया 48 रूट तीन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 20 कितनी बार जाएगा 10 बार, तो 480 रूट तीन प्लस 288 रूट तीन, 6 × 24 6 × 48 तो ये हो जाएगा 8 × 8 = 16 × 6 × 4 = 5 = 2 = 7 768 रूट तीन सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका, ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया पिरामिड का। लव यू भाई बादल। 768 नहीं आएगा, 68 आएगा ना, ठीक है, 16 × 12 = 20 हो गया ट्रिपलेट, कर लोगे। यहां तक बात समझ में आई है, इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट। अब देखिए यही सवाल देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, देयर इज ए पिरामिड ऑन ए बेस विच इज ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 2a। एक पिरामिड जो है उसका बेस एक रेगुलर हेक्सागन है, उस रेगुलर हेक्सागन की साइड कितनी है 2a, रेगुलर हेक्सागन की साइड कितनी है 2a, वेरी गुड। एवरी स्लांट एज इस पिरामिड की, एवरी स्लांट एज की जो लेंथ है 5 / 2 है, तो यहां से देखो तुम्हारी हाइट हो गई, और स्लांट एज क्या होगी, स्लांट एज हो जाएगी ये, यहां से इसके कॉर्नरों को मिलाओगे तो ये होगा 5a/2। तो आपसे पूछा पिरामिड का वॉल्यूम, मुझे बताइए अगर साइड 2a है, साइड 2a आप बेस में देखना, बेस में समझना, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है तो ये भी 2 ही होगा, और ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा, बोलो हाँ, स्लांट एज दिया है 5a/2 तो ये 5a/2 होगा, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं 6 तो ये भी 2a, ये 2a, ये 5a/2 ये 2a, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना जाएगा 3a/2 3a/2, अरे बोल दो 3, 4, 5 के ट्रिपलेट का आधा कर रखा है, 3, 4, 5 के ट्रिपलेट का आधा करके ए से मल्टीप्लाई कर रखी है, हाइट 3a/2, वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे हाइट ही चाहिए, उसे USER नाम है आपका, ठीक है, यूजर, आपके पिरामिड का वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस, 1/3 एरिया ऑफ बेस, साइड 2 तो एरिया रूट 3, साइड 2 है तो एरिया रूट 3a² इंटू हाइट, हाइट कितनी है 3a/2, तो 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा √3/2a³, ठीक है,
रूट थ्री बाई टू ए क्यूब, लेकिन छह क्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लोगे तो छह से गुणा भी होगी, छह से गुणा कर दोगे तो दो तिया छह, थ्री रूट थ्री ए क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर होगा, बताइए। तो ये समझ में आया, लास्ट फिगर आपको यही समझनी है रेगुलर हेक्सागन बेस पिरामिड की, कर रहे हो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेके हम लोग नेक्स्ट। ना अब सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे फ्रस्टम ऑफ ए पिरामिड, एक पिरामिड का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ ए पिरामिड, एक पिरामिड का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ ए पिरामिड। देखो अगर आप किसी पिरामिड को, जैसे कोन है, कोन को आप बीच से काटते तो नीचे वाली बाल्टी बन जाती है, बाल्टी क्या कोन की फ्रस्टम है, ठीक है कोन की फ्रस्टम है। इसी प्रकार से अगर आप किसी पिरामिड को भी बीच में से काट दोगे तो क्या बन जाएगा, फ्रस्टम बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक पिरामिड लूँ जिसका बेस एक स्क्वायर है, अगर मैं एक पिरामिड लूँ जिसका बेसिक स्क्वायर है, अगर मैं उसको बीच से काट दूं तो क्या आपको किस इस तरह की एक फ्रस्टम नहीं मिल जाएगी। स्क्वायर बेस पिरामिड को अगर आप इस तरीके से बीच से काट दोगे तो आपको एक फ्रस्टम नहीं मिल जाएगी, बाल्टी हो गई। ये एक पिरामिड था कंप्लीट, मैंने ऊपर एक खचा काट दिया आरी से तो क्या बन गए, फ्रस्टम बन गई, बाल्टी टाइप बन गई। सो दिस इज फ्रस्टम ऑफ ए पिरामिड, एक पिरामिड का छिन्नक। तो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, यहां पे मैंने पिरामिड का बेस क्या लिया है, स्क्वायर, क्या लिया है स्क्वायर, ठीक है 2a बोला है क्वेश्चन में, क्या है स्क्वायर। आप फ्रस्टम हेक्सागन बेस भी ले सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस भी ले सकते हो, कोई भी रेगुलर बेस ले सकते हो, मैं केवल यहां पे बात कर रहा हूं रेगुलर बेस की, क्या होना चाहिए रेगुलर बेस होना चाहिए। तो सीधा फॉर्मूला लर्न करना है, कोई प्रूफ नहीं करना, कोई फायदा नहीं है। अगर मुझे एक बात बताइए कि इसके बेस का एरिया a1, बेस का एरिया a1, अगर मुझे इस फ्रस्टम के बेस का क्षेत्रफल पता है a1, अगर मुझे इस फ्रस्टम के टॉप का क्षेत्रफल पता है a2, ये मुझे पता होना चाहिए। इस फ्रस्टम के दोनों बेसिस के, इस फ्रस्टम के दोनों बेसिस के सरकम सेंटर के बीच, सॉरी सेंट्रोइड के बीच की दूरी, यानी कि दोनों बेसिस के बीच की दूरी, दोनों फेसिस के बीच की दूरी, ये क्या हो जाएगी फ्रस्टम की हाइट h, ये h हो जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे पता है इस फ्रस्टम की हाइट, फ्रस्टम की ऊंचाई स्मॉल h, ठीक है। तो आपको चाहे कोई भी फ्रस्टम दिया हो, चाहे बेस रेगुलर हेक्सागन हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है बताइए। तो बेस का एरिया a1, टॉप का एरिया a2, फ्रस्टम की हाइट h, तो फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होगा, इस फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा, जैसे कोण में लिखते थे वही है 1/3, 1/3 a1 प्लस a2 प्लस अंडर रूट a1 a2 और इनटू हाइट कितनी है फ्रस्टम की h, दिस विल बी द वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 a1 प्लस a2 प्लस अंडर रूट a1 a2 इनटू h, ये आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। अगर मैं इस फ्रस्टम के लिटरल सरफेस एरिया की बात करूं, लिटरल सरफेस एरिया की बात करूं, तो देखिए लिटरल सरफेस एरिया कुछ भी नहीं होगा। आप इस फ्रस्टम के दो कंसेक्यूटिव एज ले लो, ये मैंने ले लिया, दो कंसेक्यूटिव साइड्स ले लो, उनके बीच की जो दूरी है ये होती है स्लांट हाइट, ये फ्रस्टम की स्लांट हाइट हो जाएगी स्मॉल एल, तिर्यक ऊंचाई। आप देख सकते हो यहां पे फ्रस्टम की तिर्यक ऊंचाई क्या है, दो ये हमने ले लिए, दो हमने करस्पोंडिंग भुजाएं ले ली, उनके बीच की ये तिर्यक जो दूरी है ये स्लांट हाइट होगी स्मॉल एल। तो इस फ्रस्टम का लिटरल सरफेस एरिया होगा 1/2 सम ऑफ, पहले क्या होता था 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट, लेकिन ये होगा 1/2 सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेसिस, 1/2 सम ऑफ दोनों बेसिस के पेरीमीटर का सम लेना पड़ेगा, 1/2 सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस बेसिस इनटू स्लांट हाइट, ये है फॉर्मूला। 1/2 दोनों आधारों के परिमापों का योग गुणा तिर्यक ऊंचाई, ये होगा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला।
वन बाई टू सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेसिस इंटू स्लांट हाइट। अगर मुझे फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो लिटरल सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, प्लस इस फ्रस्टम के जो दोनों बेसिस हैं दोनों का एरिया ऐड करना पड़ेगा, प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, दोनों बेसिस का एरिया आप इसमें जोड़ दोगे, फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आज रात में क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, बिल्कुल ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, इसी फॉर्मूले पे जो बेस्ट सिंपल सा जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। जैसे यही सवाल है, सवाल नंबर 20, उस फाइंड द होल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम विद स्क्वायर बेस, ज्यादातर स्क्वायर बेस पे सवाल आएगा, हुज बेस एंड टॉप आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ईच ऑफ द स्लांट हाइट, फ्रस्टम की स्लांट हाइट डायरेक्टली दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगर मुझे लेटरल सरफेस एरिया ही निकालना हो तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ टू बेसिस, दोनों बेसिस के पेरीमीटर का सम, अगर साइड 30 है तो पेरीमीटर 120 हो जाएगा, साइड 20 है तो पेरीमीटर 80 होगा, तो पेरीमीटर का सम 200 हो गया और स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी, स्लांट हाइट 13 हो जाएगी, ठीक है। 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेसिस इंटू स्लांट हाइट, तो ये कितना हो जाएगा 1300 1300, ठीक है, क्लियर है। 30 और 20 हैं और अर्धाकार आधार वाले छिन्न का कुल प्रक्षेत्रफल, तो ये तो लिटिल सरफेस एरिया आ जाएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा लिटिल सरफेस एरिया प्लस दोनों बेसिस का एरिया। अब यहाँ पे स्क्वायर बेस के कितने फेस हैं, दो फेस हैं, किधर गया भाई ये रहा, कितने फेस हैं, दो फेस है, तो दोनों बेस हैं, दोनों स्क्वायर होंगे, दोनों का एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो एक स्क्वायर की साइड 30 है तो 900 हो जाएगा एरिया, दूसरे स्क्वायर की साइड 20 है तो 400 हो जाएगा, तो 1300 प्लस 1300 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर होगा, 2600 केवल एक ही ऑप्शन में, तो ये तो हटा ही देंगे हम, एक ही आंसर हो जाएगा, सही है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या, समझ में आया है, ठीक है। आप इसका वॉल्यूम खुद निकाल के ट्राई करना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के, मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूं कि अगर आपको फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालने के लिए पूछा जाए, इस फ्रस्टम का आयतन कैसे निकलेगा और स्लांट हाइट दी है, तो एक्चुअली यहां पे आपको इस तरीके से मिलानेंगे तो ये एक ट्रेपेजियम बनेगा, ये एक ट्रेपेजियम बनेगा, इसको गौर से समझ लीजिए, एक ट्रेपेजियम बनेगा, दिखेगा यहां पे आप मिला दोगे ट्रेपेजियम बनेगा, ये तो हाइट एच हो गई, ये तो हाइट एच होगी, मुझे बताइए, क्लियर है। ये लेंथ क्या है, ये ऊपर वाले स्क्वायर की साइड का आधा है, तो ऊपर वाले स्क्वायर की साइड 20 दी हुई थी तो ये 10 हो जाएगा। मुझे ये बताइए कि ये क्या है, ये नीचे वाले स्क्वायर की साइड का आधा है, तो नीचे वाले स्क्वायर की साइड 30 थी तो ये 15 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, और यहां पर स्लंट एज कितनी दी थी, 13 दी हुई थी। मुझे हाइट निकालने के लिए यहां से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, तो ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा। अगर ये 13 है ये 5 है, तो हाइट कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी फ्रस्टम की हाइट। तो अगर कभी ऐसा सवाल पेपर में बन गया और आपको स्लांट हाइट दी है और आपको फ्रस्टम की हाइट निकालने, तो ये कितना है भैया, ये तो है आपका 13, ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। मैं लास्ट सवाल के डाटा पे काम कर रहा हूं, यहां पे क्या दिया हुआ था, यहां पे जो आपको दिया हुआ था ऊपर वाले की साइड, नीचे की ऊपर की साइड 20 और नीचे की 30 साइड दी हुई थी, ठीक है। तो यहां पे ये 10 हो जाएगा आधा, ये 15 हो जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर डालते हो तो ये कितना बचता है, 5, तो 13 5 हाइट कितनी आ जाएगी, 12, हाइट 12 आ गई। अगर हाइट 12 आ गई तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा फ्रस्टम का, 1/3 a1 मतलब 900 प्लस a2 मतलब 400 प्लस अंडर रूट a1 a2 यानी कि 30 × 20 600 इंटू हाइट एच 12, तो 2 से 3 से 12 चार 13 6 19 19 4 76 7600 सेंटीमीटर क्यूब ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा इस सवाल का, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके पिरामिड के रिलेटेड, एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, काफी आसान सा क्वेश्चन है, 20 सवाल मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं,
ठीक है। तो ये जो आपका है मेंस्ट्रुएशन, 3D का टॉपिक कंप्लीट ओवर हो चुका है, मेंस्ट्रुएशन 2D बाकी है, लेकिन उससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन 2D जो है वो करेंगे। लेकिन मेंस्ट्रुएशन 3D के ही सवाल पेपर में ज़्यादा आते हैं, जैसे कि अगर पेपर में आपके मेंस्ट्रुएशन से 12 सवाल आ रहे हैं तो 3D से आपके 9-10 सवाल होंगे, और 2D से आपके एक दो तीन सवाल ही मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। चलिए, पर फिर भी हम मेंस्ट्रुएशन 2D को करेंगे, ध्यान रखेंगे अपना, और शाम को मिलते हैं 9 बजे।